सामान ऑर्डर करके मंगवा रहे हैं, यानी कि 400 से ज्यादा प्रोडक्ट। अच्छा, आप में से कोई परचूनी का काम, कोई जनरल स्टोर कोई है व्यक्ति जी, कोई डीलरशिप लेनी होती है अगर किसी प्रोडक्ट की, मान लीजिए आप पार्ले जी का बिस्कुट बेचना चाहते हैं तो उसकी डीलरशिप लेनी पड़ेगी। वो डीलरशिप लेने के बाद फ्री में मिलती है डीलरशिप आपको? पैसे देने पड़ते हैं, लाखों रुपए दे करके व्यापार करने का लाइसेंस मिलता है। फिर उसके बाद आप मान लीजिए पटना शहर के डीलर हैं या जहानाबाद के डीलर हैं, तो आप क्या किसी दूसरे शहर में जाकर के उस उत्पाद को बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते। लाखों रुपए देकर के डीलरशिप लेते हैं, फिर आप कोशिश करते हैं कि मैं इसको बेचूं, तो एक रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि इस बाउंड्री के अंदर ही तू ये सामान बेच सकता है। पर इस अभियान के अंदर जिस दिन आप जुड़ते हैं, क्या आपसे एक रुपए का भी इन्वेस्टमेंट लिया जाता है क्या? नो। एक रुपए का भी इन्वेस्टमेंट लिया जाता है क्या? नो। और आप एंटाइटल्ड हैं कि एक प्रोडक्ट नहीं, 400 से ज्यादा प्रोडक्ट के आप डीलर बन सकते हैं और करोड़ों का टर्नओवर आप चाहे तो कर सकते हैं, और उसके लिए कोई बाउंड्री नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं पर भी आप इस व्यापार को कर सकते हैं। तो करोड़ों का टर्नओवर करने की डीलरशिप अगर मिल रही हो, तो मुफ्त में मिल रही हो, तो लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? दूसरी चीज उसके साथ साथ ऐसा कि प्रोडक्ट ऐसा कि जब हम किसी को दें तो हमारा हमें गर्व होता है, क्योंकि हम उसे कोई केमिकल नहीं दे रहे, कोई हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं दे रहे, बल्कि हम उसको एक स्वास्थ्य रक्षक चीज उपलब्ध करा रहे हैं। अच्छा, ये स्क्रीन यहाँ बंद हो गई सर। स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। तो देखो, पैसा कमाने के लिए तो दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं साथ। पैसा तो मैं कमा रहा था, कपड़े के व्यापार में कमा ही रहा था, पर पुण्य कमाने का कोई जरिया नहीं था। आप भी पैसा कमा रहे होंगे, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ काम कर रहा होगा। क्या कोई ऐसा काम कर रहा है जिसमें पुण्य कमाया जा सकता है? यहां आप अगर इस अभियान का हिस्सा बनते हैं तो आप ढेर सारा पुण्य भी कमा। तो मैं कहता हूं इस अभियान को किस लिए करना चाहिए? पुण्य कमाने के लिए। सर मैं इसको सेट कर दूं लैपटॉप पे। और पुण्य तक तो बात ठीक है, यहां तक तो समझ में आ रही है कि यार जिंदगी में कुछ भी करेंगे पुण्य नहीं कमा सकते, वो यहाँ कमाया जा सकता है। और कुछ नहीं होगा तो हम लोगों का भलाई कर रहे हैं, और कुछ नहीं होगा तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को कैंसर नहीं होगा, घातक बीमारियां नहीं होगी। पर बात करते हैं कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्या काम करना पड़ेगा, कैसे आप उस पैसे से आप बहुत सारा पैसा कमाएंगे, किस तरह से बहुत ज्यादा पैसा अर्न किया जा सकता है। सीखना चाहते हैं? पैसे की बात में सबको इंटरेस्ट है, पुण्य उन्य छोड़ दो, क्यों नहीं, है ना? तो उसी के बारे में मैं बात करता हूं कि ये सबसे सरल, सबसे बड़ा और सबसे महान अभियान है। और मैं इसे सबसे सरल और सबसे बड़ा बिजनेस क्यों बोलता हूं, सबसे महान अभियान क्यों बोलता हूं, क्योंकि ये गौर से देखें इस तस्वीर को, आत्माराम कसवा इस अभियान में जुड़ने से पहले दूध बेचने का काम भी किया। क्या करते थे जी? दूध बेचने का काम। और आज इस सिस्टम के रूबी स्टार हैं, 5 लाख रुपए प्रतिमाह से ज्यादा की इनकी इनकम है। क्या एक दूध बेचने वाला वहां से यहाँ पहुंच सकता है? हाँ जी, बिना कोई पूंजी लगाए इस व्यापार को करके और इतना बड़ा बना जा सकता है, तो ये कोई मुश्किल काम होगा इसका मतलब?
हम नहीं कर पा रहे, दूध वाले ने कर लिया, तो मुश्किल हुआ कि सरल हुआ? सरल है ना। और इस तस्वीर को गौर से देखें, खेत में काम करने वाला ये मजदूर किसान जो कभी अपना खर्चा चलाने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए रोड के साइड में सब्जियां बेचा करते थे, आज वो इस अभियान के सफायर मिस्टर प्रहलाद राय सर, जो कि जिस तरह की मीटिंग सेमिनार आज यहाँ आयोजित हुई है, हिंदुस्तान में हजारों प्रोग्राम हर महीने होते हैं और उसे यूनिक एजुकेशन सिस्टम का नाम दिया गया है, और उस यूनिक एजुकेशन सिस्टम के प्रेसिडेंट है ये व्यक्ति। तो अब मैं बात कर रहा हूं आपके सामने कि इस तस्वीर को यकीन होता है क्या कि मैं कभी इतना बड़ा बन सकता हूँ? बीस लाख रुपए महीने की इनकम अर्न कर सकता हूँ? आज आपको इस तस्वीर को देख करके लगता है कि इनके बच्चे हिंदुस्तान की टॉप कॉलेजेस में पढ़ते हैं, इनके पास चार चार कारें हैं, करोड़ों का फार्म हाउस है, शानदार बंगला है, फ्लाइट से सफर करते हैं, फाइव स्टार सेवन स्टार में रुकते हैं, कई विदेशों की यात्राएं कर चुके हैं। क्या यकीन होता है इस तस्वीर का? नो। पर मैं इसीलिए कहता हूं कि ये सबसे सरल और सबसे महान है, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति, कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, आप जैसे हैं ना, आप जैसे हैं, आपके पास जो ज्ञान है उतना काफी है इस अभियान में सक्सेसफुल बनने के लिए। आप जैसे हैं, आपसे ये क्या, इस तस्वीर को देख करके आपको लगता है कि इनको बहुत पढ़ना लिखना आता होगा? नो। इंग्लिश अच्छी आती होगी? नो। कंप्यूटर अच्छा चलाना आता होगा? नो। बहुत अच्छे वक्ता होंगे, भाषण देना बहुत अच्छे से जानते होंगे? नो। कई लोगों को जान पहचानते होंगे? नहीं ना। नो। कुछ भी नहीं, बस आप जैसे हैं इस अभियान में सक्सेसफुल बनने के लिए पर्याप्त हैं, बस मन लगा करके काम करना होता है। मेरा कहना है कि इस बिजनेस को करने के लिए जेब में गांधी हो ना हो, दिल में आंधी होनी चाहिए कि मुझे बहुत बड़ा बनना है। और मैं आपको बताता हूं कि ये तो चलो एक दूसरी बात हुई, मैं तो बीइंग ए बिजनेसमैन, मैंने मेरे बिजनेस से कंपेयर किया इस अभियान को, तो बिजनेस से कई गुना बेहतर है ये अभियान, कई गुना बेहतर। जानना चाहते हैं? मैंने बिजनेस करने के लिए, कपड़े की फैक्ट्री लगाने के लिए, आज से 20 साल पहले, कितने साल पहले? 20 साल पहले 4 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। कितना किया था जी? 4 करोड़। और 4 करोड़ रुपए लगाते ही नहीं है कि 4 करोड़ दिए और फैक्ट्री चलने लग गई। 4 करोड़ रुपए दिए, जमीन खरीदी, फिर मशीनें खरीदी, फिर उस जमीन का कन्वर्जन कराया, उसकी रजिस्ट्री कराई, गवर्नमेंट से परमिशन ली, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से परमिशन ली, मशीनें इस्टेब्लिश करी, बिजली का कनेक्शन लिया, फिर बहुत सारा स्टाफ रिक्रूट किया, फिर उस मशीनों पर काम करना चालू किया, फिर उसके लिए रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है, रॉ मटेरियल खरीद के वहाँ लेबर से दिन भर काम कराना होता है, तो ऐसे कई सारे झंझट करके व्यापार होता है जी, है ना जी। और उसके अलावा क्या क्या काम करने पड़ते हैं पता है आपको? सरकार कहती है कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपको हर महीने की 7 तारीख को TDS का रिटर्न भरना पड़ेगा। yes. सरकार कहती है अगर आप करोड़ों का टर्नओवर करना चाहते हो तो हर महीने की 10 तारीख को GST का रिटर्न भी भरना पड़ेगा। सरकार कहती है कि हर महीने की 14 तारीख को ESI का रिटर्न भरना पड़ेगा और हर महीने की 20 तारीख को GSTR 3-8 का रिटर्न अलग से भरना होगा। ये हर महीने ये काम मुझे करने होते हैं। उसके अलावा सरकार कहती है हर 3 महीने में TDS का रिटर्न और GSTR 7 का रिटर्न अलग से देना होगा। हर महीने तो देना ही है, क्वार्टरली भी देना है। फिर उसके बाद सरकार कहती है कि हर साल आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा और आपको कई सारे डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट, रिपको डिपार्टमेंट, पुलिस और इलेक्ट्रिसिटी, कई सारे डिपार्टमेंट आपके लगते हैं जिनसे आपको परमिशंस लेकर के और उनकी कंप्लायंस कंप्लीट करके काम करना पड़ता है। और उसके अलावा इतना ही नहीं, काम खत्म नहीं होता है। फिर आपको कपड़ा बनाना है, फिर कपड़ा बनाने के बाद उसकी क्वालिटी चेक करनी है, फिर उसको बेचना है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रांसपोर्ट करने के बाद जब अगले के पास पहुंच जाए तो उधार बेचा है, फिर 6 महीने तक उसका पैसा हाथ जोड़ करके मांगना है। इस तरह इतना ताम झाम करने के बाद जितना पैसा मैं कमा रहा था ना, बिना कोई ताम झाम किए, ना कोई फैक्ट्री लगानी है, ना कोई ऑफिस खोलना है, ना किसी डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी है, ना कोई रिटर्न भरना है, ना कोई नौकर रखना है, ना बिजली का बिल भरना है,
कुछ नहीं करना और मेरे से भी ज्यादा इनकम आरसीएम के लोग कमा रहे, मेरे से भी ज्यादा। तो क्या करना चाहिए? बिजनेस की अभियान। मेरे को लगता था कि अभियान वाले बात करते हैं कि यार हम लोग नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी? और मुझे लगता था यार ये अभियान के लोग कैसे कर रहे हैं नए भारत का निर्माण, तो मैं कर रहा हूँ, मैं हूँ बिजनेसमैन और मैं जो टैक्स भरता हूँ उस टैक्स के पैसे से होता है देश का निर्माण। उससे आपकी सड़कें बनती है, बिजली आती है, आपके घरों में पानी आता है, मेरे टैक्स के पैसों से आता है, ऐसा मुझे लगता था। और जब मैंने देखा, मैंने चेक किया, तो मैंने देखा यार 20 साल से जो व्यक्ति मेरे यहाँ पर काम कर रहा है, 20 साल से ईमानदारी से काम कर रहा है, आज वो मेरे यहाँ पे सबसे बड़ी पोस्ट पे मैनेजर की पोस्ट पर है और उसकी तनख्वाह कितनी है था 50,000 रुपये महीना। क्योंकि बाजार में कई सारे व्यक्ति लाइन में खड़े हैं कि साहब इसको हटा दो, मैं 45,000 रुपये में ये काम कर दूंगा, और दूसरा उसके पीछे खड़ा कि साहब मैं 40 में कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, तो मैं 50,000 ही दूंगा, इससे ज्यादा दे सकता हूँ या 5 लाख कभी चाह करके भी उसको तनख्वाह दे सकता हूँ? नहीं यार, तू 5 लाख ले, 20 साल से काम कर रहा, इतना ईमानदार आदमी, 10 लाख ले, हो सकता है जी? नहीं होगा ना, तनख्वाह तो जो बाजार में चल रही है उस हिसाब से मिलेगी ना। और वहीं उनका छोटा भाई जो मेरे यहाँ मैनेजर है, उनका छोटा भाई एक निर्णय लेता है कि मुझे नौकरी नहीं करनी है, मुझे तो इस अभियान में काम करना है। तो आज उनका छोटा भाई 3 लाख रुपये प्रतिमाह जैसी शानदार इनकम, 3 लाख रुपये महीने। तो कौन कर रहा है भारत का निर्माण? मैं कर रहा हूँ कि अभियान कर रहा है? अभियान। और अगर मैं बात करूं, मेरे घर में आज के 20 साल पहले दो भाई ड्राइवर के तौर पर काम करते थे, शंभुनाथ योगी, समुंदरनाथ योगी। दो भाइयों में से एक भाई आज भी ड्राइवर है। उस वक्त दोनों की तनख्वाह थी साहब 3,500 रुपये महीने की 20 साल पहले, और आज जो ड्राइवर है उसका भाई, उसकी तनख्वाह है 18,000 रुपये महीना। कितनी है जी? 18,000। ड्राइवर है चूंकि, तो फाटक खोलता है, हमें बिठाता भी है, हमारे अटैची उठा के पीछे डिग्गी में रखता भी है, और जब तक हम खड़े हैं तब तक वो खड़ा ही रहेगा, हमारे साथ बैठ नहीं सकता, क्योंकि क्या करता है वो? फाटक खोलता है, ड्राइवर है। बात समझ में आ रही है? और वहीं उसके दूसरे भाई ने नौकरी छोड़ करके निर्णय लिया कि आज से मैं अभियान के लिए काम करूंगा। तो आज वो खुद की 15.5 लाख की कार से खुद सेमिनार दे रहा है। इतने ही नहीं है, मंच पर जैसे आपने मेरा सम्मान किया, लोग उनका भी सम्मान करते हैं। 2 लाख रुपए महीने से ज्यादा की उनकी इनकम है, क्या मैं उसके दूसरे भाई को, चूंकि 20 साल से ड्राइवरी कर रहा है, तो उसको 2 लाख रुपए महीने तक का नहीं दे सकता हूँ? नो। दे सकता हूँ क्या? नो, नहीं दे सकता। पर हाँ, अगर वो आज के अभियान से जुड़ने का निर्णय कर लेता है तो मेरी गारंटी है 2 साल में 2-3 लाख रुपए महीने के उसको दिला सकता हूँ। तो कौन कर रहा है नए भारत का निर्माण? आरसीएम। देखो, एक आदमी के टैक्स चुकाने से भारत का निर्माण नहीं होता है, बल्कि लाखों लोगों को टैक्स चुकाने लायक बनाते हैं, तब जाकर के भारत का निर्माण होता है। और सही मायने में ये अभियान कर रहा है नए भारत का निर्माण, है ना। तीसरी चीज मैंने देखी कि ग्रोथ अगर जिंदगी में करनी है, मेरे बिजनेस में मेरे को टर्नओवर बढ़ाना है, आप कोई व्यापार कर रहे हो और आप चाहते हो कि व्यापार को और बढ़ाएं, और इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मान लो मैं कपड़ा ही बेच रहा हूँ, मैं चाहता हूँ और ज्यादा कपड़ा बेचूं, तो और ज्यादा बनाना पड़ेगा, बनाने के लिए रॉ मटेरियल ज्यादा खरीदना है, तो उसके लिए पैसा चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? और पैसा जब पूंजी चाहिए होती थी कि 8 करोड़ के टर्नओवर को मैं 12 करोड़ पे ले जाना चाहता हूँ, तो एक लोन लेना पड़ता था भाई। तो क्या करना पड़ता है सर? लोन लेना पड़ता है, और कर्ज लेकर के फिर मैं अपने व्यापार को बढ़ा पाता हूँ। पर यहाँ पे इस अभियान के अंदर आप जो मर्जी चाहे करें, आपको धन लगाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, पर बिजनेसमैन, बीइंग अ बिजनेसमैन, एक चीज समझ में आ गई कि कुछ ना कुछ तो इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। पॉकेट में कैसे करोड़ों रुपए मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते हैं। तो कुछ तो इन्वेस्ट करना ही पड़ता है, ये सवाल मेरे मन में 3 साल तक खटका। मगर बिना पैसे के करोड़पति कैसे बनेंगे? कुछ तो इन्वेस्ट करना ही पड़ता होगा, कहीं तो पैसा लगता ही होगा। पैसा तो नहीं लगता, पर कुछ और इन्वेस्ट करना पड़ता है, वो है आपका मन। अगर आपका मन है अमीर बनने का, आपका मन है कामयाब बनने का, आपका मन है अपनी जिंदगी बदलने का, बड़ी गाड़ी लेने का, बड़ा बंगला लेने का,
तो उस मन को इन्वेस्ट कर दें और मन लगा करके इस अभियान में काम करें तो गारंटी आप भी बहुत बड़े बनेंगे। इस तस्वीर को गौर से देखें, धन नहीं था लगाने को, इस तस्वीर के पास धन नहीं था लगाने को, पर मन था जिंदगी बदलने का। तो जिस शहर में ये आज 750 रुपए प्रतिमाह की नौकरी किया करते थे, मन लगा करके इस अभियान पर काम किया, तो आज उसी शहर में 25 करोड़ के बंगले हैं। 25 करोड़ के बंगले। अब अभियान से जुड़ने का एक कारण मेरा ये भी है ना जी, क्योंकि जिस फैक्ट्री का मैं मालिक हूं ना, ऐसी एक फैक्ट्री में कर्मचारी के तौर पर ये काम करते थे। क्या करते थे जी? काम कर्मचारी के तौर पर, और मैं ठहरा फैक्ट्री का मालिक, है ना। और आज ये उस शहर में रह रहे हैं 25 करोड़ के मकान में। मुझे कई सालों तक तो यही शर्म आती रही कि यार ये टाई पहननी पड़ेगी यार, है? क्या क्या शर्म आती रही? आप में से भी कुछ लोग होंगे जिनको ये टेंशन मन में होगी यार ये टाई कौन पहनेगा यार, है क्या किसी को टेंशन? मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। ये व्यक्ति जब 25 करोड़ के मकान में आया ना, उस दिन मेरे को बिल्कुल एग्जैक्ट समझ में आ गया कि पैनल ले बेटा टाई, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे की और ही लटक रही है ना। जिस दिन, अभी तो 25 करोड़ के मकान में ही, जिस दिन ये हेलीकॉप्टर लेकर के आ गया, इस टाई को ऊपर पंखे के लटका के फिर बांधनी पड़ेगी, है कि नहीं सर? करना पड़ता कि नहीं? और आएगा हेलीकॉप्टर भी आएगा, ये भी तय है। अगर जीरो से शुरुआत करके 20 सालों में ये यहां पहुंचे हैं तो मेरी गारंटी लिख लीजिए कि हेलीकॉप्टर भी आएगा। और अभी बताऊंगा कैसे आएगा। आज इस तस्वीर को गौर से देखें, राकेश शर्मा गौतम 1500 रुपए महीने की नौकरी करते थे जादूगर के असिस्टेंट के तौर पर, और साइकिल से आते थे मीटिंग सुनने के लिए। और आज इस अभियान में धन नहीं था लगाने को, मन लगा करके काम किया। बात समझ में आ रही है? धन नहीं था लगाने को, मन लगा करके काम किया। तो आज पहले साइकिल से मीटिंग सुनने आते थे, आज मर्सिडीज से सेमिनार देने के लिए। और इतना ही नहीं है, आज करोड़ों के बंगले में ये रहते हैं, और एक नहीं दो नहीं 6-6 गाड़ियां इनके पास है, कई विदेशों की ये यात्राएं कर चुके हैं। धन नहीं था साथियों लगाने को, सब कुछ हासिल किया सिर्फ मन लगा करके। क्या लगा करके? मन लगा के। और मैंने बिजनेस किया, हर आदमी बिजनेस करता है, पैसा कमाता है, तो उसके क्या सपने होते हैं, कुछ अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। आप भी सुबह से शाम तक जो भागा दौड़ कर रहे हैं, कहीं आते होंगे, ऑफिस जाते हैं वापस आते हैं, दुकान पे जाते हैं वापस आते हैं, खेत पे जाते हैं वापस आते हैं, क्यों इतनी मेहनत क्यों करते हैं? क्योंकि अपने सपनों को पूरा कर सके। मेरा भी एक सपना था कि मेरे को वर्ल्ड टूर पे जाना, बचपन से एक सपना, एक दो देश नहीं घूमने थे जिंदगी में। क्या सपना था जी? वर्ल्ड टूर पे जाना, तो बहुत सारा पैसा कमाना और पूरा विश्व घूम के आना है। और बहुत सारा पैसा कमा भी लिया, बहुत सारा पैसा कमा भी लिया। पैसा कमाने के बाद ट्रेवल एजेंट को फोन लगाया कि यार ये वर्ल्ड टूर पे जाना है मेरा, पता क्या मामला है? तो उसका वापस फोन आया कि साहब 50 लाख से 1 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कितने? आप 3-स्टार होटल में रुकोगे 50 लाख में काम हो जाएगा, 5-स्टार में रुकोगे तो 1 करोड़ लगेंगे। मैंने 1 करोड़ दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कमा लिए, कमा रखे हैं, 1 करोड़ दे देंगे। उसने कहा कुछ कंट्रीज का आपको वीजा लेना पड़ेगा। मैंने कहा वो भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बड़े व्यापारी हैं। तीसरी चीज उसने बताई कि सर ये जो वर्ल्ड टूर करने में आपको 1.5 साल का समय लगेगा। मैंने कहा रहने दे, कैंसल। बोले क्यों सर, क्या हुआ? उसका तो 1 करोड़ का ग्राहक छूट रहा था। उसने कहा क्यों सर, क्यों कैंसिल कर रहे हो, बना लो प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मैंने कहा मैं 1.5 साल के लिए बाहर चला जाऊंगा, फैक्ट्री तेरा बाप चलाएगा। कौन चलाएगा? हैं? जा सकता था जी बाहर? नो। तो साला पैसा तो कमा लिया पर ये टाइम कहां से लाता? हाँ, ये बात समझ में नहीं आ रही थी। मैंने कहा यार जिंदगी में इतना हताश हो गया, मैंने कहा जिंदगी में मेरा सपना तो पूरा कर ही नहीं सकता ये। मैंने बचपन में क्या एक पिक्चर देखी थी अराउंड द वर्ल्ड इन $8, वो कोई मूवी है, हाँ जी राज कपूर की एक मूवी है। तो वो उस तब से सपना था, इतना सा था तब से, और उस सपने को
टूटता हुआ देखा पैसा कमाने के बाद। पर फिर जब अभियान को समझ रहा था ना मैं, जब कोविड आया था और अभियान को समझना शुरू किया, तब एक व्यक्ति के बारे में समझना शुरू किया जिनका नाम है आदरणीय राजा राम सहारण, है ना, और उनकी तस्वीरें मैं देख रहा था तो उनका फेसबुक अकाउंट मैंने देखा, ये फेसबुक से उठा के लाया हूँ, उनका फेसबुक का पेज है, ना जी, फेसबुक से चोरी करके लाया हुआ है। और इसमें सर कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ के बता सकते हैं क्या तारीख लिखी हुई है? 22 मई 2024, यानी इसी साल की बात है, अभी मई महीने की बात है, 3-4 महीने पहले। कौन सी कंट्री में है? रोम। रोम में, अच्छा। फिर उसके बाद अगली तस्वीर मैंने उठाई, कौन सी तारीख है सर? 11 मई। कंट्री कौन सी है सर? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और पेरिस, ये भी ठीक है। फिर थोड़े दिनों की मई 8, 3 दिन पहले, कौन सा शहर है सर? लंदन। उसके बाद ये थोड़ा सा उसके महीने दो महीने पहले, सितंबर 14, 2023, मॉन्टेरियल क्यूबेक में। मैंने कहा यार ये आदमी मेरी जिंदगी तो ये आदमी जी रहा है, घूमे ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। फेसबुक पे देखा फोटो तो टोटल विदेश। फिर देखी सितंबर 4, 2023, तो टोरंटो में। मैंने कहा ये कैसे संभव है? पिताजी से पूछा मैंने, मैंने कहा ये राजा राम जी क्या कर रहे हैं, अच्छा इतना पैसा कहाँ से आया, घूमे ही जा रहे हैं? तो बोले कि यार कुछ नहीं, आरसीएम। मैंने कहा आरसीएम तो करते ही नहीं है ये, क्योंकि 2015 में रिटायरमेंट ले लिया। क्या करा सर? रिटायरमेंट 2000 में बिजनेस करना शुरू किया, 2015 में रिटायरमेंट ले लिया। आप में से कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है जी यहाँ पे? रिटायर्ड आप हैं सर? कितने साल काम किए सर? 39 साल। अच्छा, और 39.5 साल काम किया आपने, कितने साल में रिटायर हुए आपको? 19 में रिटायर किए, 30 अप्रैल 19 में। और अभी चल रहा है 24, 5 साल हो गए सर। पेंशन कितनी आती है? 88,000 रुपये महीना। जबरदस्त तालियां बजाओ। सरकार ने इतनी मेहनत से इन्होंने काम किया तो सरकार आज घर बैठे 88,000 रुपए महीना देती है। अपन 88,000 को राउंड फिगर में 1,00,000 रुपए मान लेते हैं, 5 साल में लगभग 60,00,000 रुपए आ गए जी। कितने आ गए जी? मान ले हर साल के 12,00,000, 5 साल के 60,00,000 रुपए सर के पास पेंशन के तौर पर आ गए। और हमारे भी एक मित्र ने 2015 में अभियान में काम करना बंद कर दिया, एक्टिवली काम नहीं कर रहे, कोई फिजिकल मीटिंग नहीं दे रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, और 2015 से घर में। अभी इनकी मर्जी होती है तो काम करते हैं, वो भी पिछले साल से ही चालू किया 2023 से, वापस 2023 से फिर शुरुआत की। पर ऐसा नहीं है कि दिन भर दौड़ रहे, मर्जी होती तो दे देते हैं, नहीं होती है तो घर में बैठे, है ना। और कितनी पेंशन आई होगी जी ये 2015 से लेकर 2024, 8.5 साल हो गए, है ना जी। 8.5 साल में कितनी पेंशन आई होगी? हाँ जी, कोई अंदाजा लगा सकता है? लगभग 13 करोड़ रुपए आरसीएम से पेंशन। कितनी? तो क्या करना चाहिए? सरकारी नौकरी के अभियान, हाँ जी, अभियान करना चाहिए। पहले बेटी देते थे कि जवाई ढूंढते थे कि और सरकारी नौकरी में है, जवाई बहुत बढ़िया है, है ना जी। और अब थोड़े दिनों बाद ढूंढेंगे कि यार अभियान में काम कर रहा है, ये जमाई बहुत बढ़िया है ना। 12 करोड़ रुपए, क्योंकि प्रतिमा इनकम है 25 लाख रुपए। कितनी है जी? 25 लाख। और एक दिन ऑनलाइन मीटिंग ले रहे थे 2023 में, पहली बार इनसे सबने रिक्वेस्ट की कि सर एनिवर्सरी का प्रोग्राम है, इस बार थोड़ा मामला ढीला चल रहा, आप थोड़ा सा आओ मीटिंग ले। तो बोला बात चलो ठीक है, मैं फिजिकल विजिकल तो नहीं दूंगा, ऑनलाइन दे देता हूँ। तो ऑनलाइन में आए, उसमें भी ये हो रहा सर, एक घंटा नहीं सर, आधे घंटे। क्या बोला? आधे घंटे। एक घंटा नहीं, आधे घंटे के लिए आऊंगा, और आधे घंटे के लिए स्क्रीन पर आए। अभी ये तस्वीर दिख रही थी ना, मैं लेके आया, आधे घंटे के लिए स्क्रीन पर आए। मैं भी सुन रहा था, स्क्रीन पे आके ही बोलते हैं। क्या बोला स्क्रीन पे आते ही? कि इस वक्त मैं कनाडा में हूँ। कहाँ पे हो? कनाडा में। ये बढ़िया, कनाडा में बैठा बैठा धंधा यहाँ चल रहा है, बढ़िया फर्स्ट क्लास। क्या करना चाहिए अभियान 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 करना चाहिए, है ना?
क्योंकि ये अभियान आपको क्या देता है, टाइम फ्रीडम देता है। क्या देता है जी? टाइम फ्रीडम, जो दुनिया की कोई दूसरी चीज आपको दिला नहीं सकती। और समय की कितनी वैल्यू होती है वो समय आप यहाँ कमा सकते हैं। समय की कितनी वैल्यू होती है जानना चाहते हैं? कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता था जब तक ये शुरू हो। तो एक बात बताइए कि यमराज मान लो दरवाजे पे खड़ा है और अपने तो औकात ही क्या है, छोड़ो, अंबानी के दरवाजे पे खड़ा है। किसके दरवाजे पे? अंबानी के दरवाजे पे। अंबानी के दरवाजे पे यमराज खड़ा है कि चलो साहब टाइम हो गया, और अंबानी जी उसको कहे कि तू तेरा मुंह खोल और दाम बोल कितने चाहिए, 10 मिनट और दे दे, बस अनंत और आकाश के बंटवारा करके आना है। अभी अभी नई नई शादी हुई है, कुछ समझाना पड़ेगा, है ना? तो दे देगा यमराज? नो। 100 करोड़, 200, 500, 1000, 5000, लाख करोड़ कितने चाहिए? अब तो देगा? नहीं देगा। सारा अंबानी अपनी पूरी दौलत देके जिस समय को नहीं खरीद सकता वो समय आप इस अभियान में कमा सकते हैं, इतनी ताकत है। ना जी, ये किसी को छोड़ने वाला नहीं है। अच्छा, आप चाह कर के भी अपने पीछे वाले टाइम में जा सकते हो क्या जी? नो। पीछे बीता हुआ दिन वापस ला सकते हो? नो। अगर ला सकते हो, अगर ये ताकत है, तो जितनी मर्जी हो उतना टाइम खराब करो, आपका कोई फर्क नहीं पड़ता। और नहीं तो याद रख लो, ये जो आपकी जिंदगी, आप है ना घंटे दो घंटे रील देखते हो मोबाइल में, कोई बढ़िया पिक्चर सिनेमा देख के आते हो और कहते हो यार मस्ती से 2 घंटे पास हो गए। पास नहीं हुए 2 घंटे, आपकी जिंदगी के जो शेष बचे थे ना वो बर्बाद हो गए, है ना? तो याद रखें, समय को पहचाने, समय की बहुत वैल्यू है। अगर आज समय की आप कदर नहीं करोगे तो एक दिन समय आपकी कदर नहीं करेगा, ये ध्यान रखें। दूसरी चीज होती है कि जब व्यापार करते हैं तो एक लिमिट के बाद जब हम पैसा कमाने लगते हैं तो लोग पूछते हैं यार इतने पैसे को क्या खाएगा, क्या करेगा इतना पैसा कमा के? मैंने कहा मेरे लिए थोड़ी ना कर रहा हूँ, मेरे बच्चों के लिए कर रहा हूँ मैं, ताकि मेरे बच्चों को बढ़िया बैंक बैलेंस मिले, गाड़ियां मिले, बंगले मिले, प्लॉट हो उनके नाम पे, तो मैं अपने बच्चों के नाम पे कर रहा हूँ। तो चलो, अब मैं कहता हूँ कि आपकी 7 पुश्तें बैठे बैठे खाए तो कितना पैसा चाहिए? हाँ जी, हाँ बहुत, कितना बोलो? 70 करोड़। सर 70 करोड़ में 7 पुश्तें खिला रहे हैं। मैं कहता हूँ 700 करोड़, इतने तो बहुत है। 7000 करोड़ तो बहुत है। Yes, 7000 करोड़ तो बहुत है ना सर, 7 पुश्तें बैठी बैठी खाए इसके लिए, बोलिए। Yes, sir. कम पड़ रहे क्या किसी के? No. 7000 करोड़ बहुत है। Yes, sir. 7000 करोड़ ताकि 7 पुश्तें बैठे बैठे खाए, ये कौन है जी? धीरू भाई अंबानी। आपके परदादा जी का नाम क्या था? नहीं पता, पर इसका पता है, है ना? धीरू भाई अंबानी। अभी इसके अपने 2 बच्चे थे, कितने थे जी? 2 बच्चे हैं अभी भी, है ना? पहला बेटा है और दूसरा बेटा है, और इन्होंने कितने रुपए दिए थे जी? हाँ जी, 65,000 करोड़। कितने दिए थे जी? कितने? 65,000 करोड़। कहाँ गए? पानी में, नीलाम हो गए, फैक्ट्रियां कंगाल हो गए भाई साहब। और एक ही जन्म में इन्होंने 65,000 करोड़ भी निपटा दिए। क्या भरोसा आप अपनी औलाद के लिए कितना छोड़ के जाओ, वो 1 महीने में ही निपटा दे रहे हैं। पर मैं अब आपको परिचय कराता हूं कि ये कोई सिक्योरिटी है? आप अंबानी के घर में पैदा हो जाओ तो भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। पर सिक्योरिटी किसको कहते हैं, मैं आज आपका परिचय करवाता हूँ। ये हैं हमारे इस बिजनेस के स्टार डायमंड मिस्टर रवि ओपी शर्मा। दो बार डायमंड, ये तालियां जो है ना इनके आदरणीय पूज्य स्वर्गीय पिताजी के लिए, इसके लिए भी, क्योंकि यार इनको तो ये डायमंड की पिन नॉमिनेशन से मिली है यार। किससे मिली है? खुद ने काम नहीं किया, किसने किया? डायमंड कौन देकर के गया गिफ्ट में? पिताजी। पिताजी, बात समझ में आ रही है?
और इनके पिताजी इनको डायमंड की पिन देकर के गए, यानी कि अभी इनकी प्रतिमा इनकम जानना चाहते हैं कितनी आती है एक महीने में? Yes! 65 लाख रुपए। कितनी? Wow. कितनी? 65 लाख। अब उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, कोई सच मत मान लेना, उदाहरण के तौर पे है ना, पहले क्लियर कर देता हूँ कि उदाहरण के तौर पर इन्होंने 65 लाख रुपए से एक प्लॉट खरीदा और उस प्लॉट के पेपर निकल गए फर्जी, और फिर उस पे कब्जा था किसी और का, और वो पूरे के पूरे 65 लाख रुपए हो गए जीरो। कोई टेंशन नहीं, अगले महीने फिर 65 लाख का चेक आया, फिर उस 65 लाख रुपए के इन्होंने खरीद लिए शेयर, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, शेयर मार्केट हो गया 65 लाख रुपए हो गए जीरो। अरे यार कोई टेंशन नहीं, अगले महीने फिर 65 लाख, फिर 65 लाख का चेक आया, फिर अगले महीने उन्होंने 65 लाख का खरीद लिया सोना, सोना हो गया चोरी, 65 लाख रुपए हो गए जीरो। फिर कोई टेंशन नहीं यार, कितनी बार तेरी औकात है उतनी बार जीरो कर देना, साला हर महीने 65 लाख का चेक आएगा। इसको कहते हैं सिक्योरिटी, इसको कहते हैं असली सिक्योरिटी, और बढ़ बढ़ के आएगा, जिंदगी भर आएगा, तेरे बाद तेरे बच्चों को भी आएगा। अगर आपको अपने बच्चों से प्यार है तो ऐसी सिक्योरिटी और ऐसी पिन के लिए काम करके जाना मेरे दोस्त, बाकी तो आप जितना चाहे छोड़ जाओ, कोई भरोसा नहीं है। और डायमंड कैसा होता है, मिलना चाहते हैं तो मैं इनके भी फेसबुक से ही एक तस्वीर उठा करके लाया हूँ, इनके फेसबुक से। देखो सच्चाई का काम है, झूठ का कोई काम नहीं, ओरिजिनल सबूत है। आज इनके फेसबुक पे जाके चेक कर ले, इन्होंने खुद ने तस्वीर लगाई हुई है, ये इनकी कार की तस्वीर है साहब, BMW i8 इसका नाम है। कितनी कीमत लिखी हुई है रवि सर? 2 करोड़ 62 लाख की कार। पहले तो कीमत सुन के घबराहट हुई, फिर उसके बाद मैंने कहा यार तस्वीर कुछ अच्छी नहीं दिख रही है, 2 करोड़ 62 लाख जैसी नजर नहीं आ रही, तो इंटरनेट से डाउनलोड करी एक तस्वीर कि कैसी दिखती है 2 करोड़ 62 लाख की कार। अरे यार हम करोड़पति बिजनेसमैन, हमारे सपने में ऐसी कार नहीं है, RCM का डायमंड लेके घूम रहा है ऐसी कार, और ये उसकी एक कार नहीं है, ऐसी 10 कार है उनके पास, और इतने में ही रुकते नहीं है, फिर इस साल और एक कार खरीद लाए पौने 2 करोड़ की है जी। हर साल साला करोड़ों की गाड़ी खरीदे आपका बच्चा, ऐसा काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऐसी पिन पर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? सर साउंड आएगा क्या इसमें, क्या माइक वहां रखने से आएगा? नहीं, माइक वहां रखने से आएगा क्या, उसमें निकलता क्या साउंड आएगा? तो देखो कितने लोगों को यकीन हो रहा है कि 60-70 लाख रुपए महीने की इनकम आ सकती है, करोड़ों की गाड़ी हमारे आ सकती है, ये सब कुछ हो सकता है, कितने लोगों को यकीन हो रहा है? सच बताऊं मैं, सारे के सारे झूठे। अंदर तो मन कह रहा है यार देखो यार ये 2-5 करोड़ की कार तो छोड़ो यार, आप तो कोई होंडा सिटी दिला दो, है ना, होंडा सिटी भी होगी, स्कॉर्पियो से काम चला लेंगे, कोई ज्यादा समस्या नहीं है, है ना, क्योंकि यार ये मर्सिडीज BMW है औकात के बाहर का मामला लग रहा है। आप नहीं कह रहे हो तो आपका दिमाग पीछे कह रहा होगा, अरे चल हाथ नीचे कर ले तेरी औकात का नहीं है मामला, ये औकात से बाहर का है ना, कहता है ना दिमाग कि यार ये ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमारा ह्यूमन दिमाग है वो बिल्कुल ऐसा ही है कि यकीन नहीं होता है। मैं आपको देखो एक वीडियो दिखाता हूँ, इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करना। चलिए छोड़िए, मैं खुद बोल के बता देता हूँ कि क्या बोल रहे हैं। ये हरियाणा के रहने वाले हैं और ये कह रहे हैं कि यार आज के 22-23 साल पहले हरियाणा में बीसी छाबड़ा जी आते थे मेरे पिताजी, और वो बीसी छाबड़ा जी कहते थे कि यार एक दिन तुम्हारे घर के बाहर 3-3 कारें खड़ी होगी। तो कहता मैं मीटिंग में बैठा साइकिल से मीटिंग सुनने जाता था, साला मोटरसाइकिल बोलते तो फिर भी यकीन हो जाता, 3-3 कारों की बात करते थे तो ये लगता था यार फैकनोलॉजी चल रही है अंदर, कुछ हवा में बातें हो रही है ना। फिर वो कहते थे कि यार एक दिन तुम करोड़ों के मकान में रहोगे,
तो मतलब दो कमरों के मकान में पूरा खानदान सोता था, दो कमरों के मकान में पूरा खानदान रहता था, कैसा होगा करोड़ों का मकान, तो यकीन नहीं होता था। पर आज की स्थिति क्या है जानना चाहते हैं? Yes. आज ये कह रहे हैं कि ऐसा हुआ कि तीन नहीं साहब छह छह कार्य आई, कितनी आई? छह छह कार्य आ चुकी है और आज करोड़ों के मकान में नहीं, आठ करोड़ के फ्लैट में रह रहे हैं, है ना, आठ करोड़ के फ्लैट। तो पहले यकीन नहीं होता था, पहले जब पीसी छाबड़ा जी वहां जाके बोलते थे तब यकीन, पर आज ये कह रहे हैं कि आज ये लगता है कि उस दिन जो छाबड़ा जी बोल रहे थे वो बहुत कम बोल रहे थे, क्योंकि उससे ज्यादा तो आज हो चुका है। और मैं कह रहा हूं गारंटी से कि आज आपको लग रहा होगा कि यार अभिषेक जी जो बोल रहे हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, पर 10 साल बाद आऊंगा तो आप ही ये बात कहोगे कि यार अभिषेक जी जो बोल रहे थे कम बोल रहे थे, उससे ज्यादा तो हम लोगों ने अचीव कर लिया। और देखो मैंने बिजनेस करने से पहले इसका फ्यूचर जानने की कोशिश करी, आपके मन में भी उत्सुकता होगी ना कि यार आज तो ठीक है आ रही है, इनकम भी आ रही है, गाड़ियां भी आ गई, सब कुछ ठीक है, आने वाले 10 साल बाद क्या होगा इसका जानना चाहते हो? तो सबसे पहले तो वो व्यक्ति अपना हाथ ऊंचा करे। देखो सन 1995 में पहली बार मोबाइल आया था हिंदुस्तान के अंदर, है ना जी, 1995 में, और तब फोन उठाने के इनकमिंग के 16 रुपए मिनट लगते थे उठाने, है ना, तब किसके पास मोबाइल था हाथ ऊंचा करके बताओ, हाँ जी एक के पास भी नहीं, कोई बात नहीं, अभी इस हॉल में वो व्यक्ति हाथ ऊंचा करे जिसके पास इस वक्त मोबाइल नहीं है, सबके पास है, चलो कोई नहीं, वो आदमी हाथ ऊंचा करो जिसके पास दो मोबाइल है। अरे बाप, इतने सारे दो मोबाइल है ना, तो यार ये भी डायरेक्ट सेलिंग बिल्कुल नई नई चीजें आती है ना, हर कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। आज इस अभियान से लगभग 2 करोड़ लोग जुड़े हैं, आने वाला समय ऐसा होगा जब हिंदुस्तान के हर घर में से कोई ना कोई इस अभियान से जुड़ा होगा, और ये है आसिम का फ्यूचर का बात, लोगों की इनकम कैसी है, ये बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है। मैंने देखो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो है ये डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम ये हिंदुस्तान में 25 साल पुराना है, कितने साल, 20 साल, और विदेशों में ये आज के 75 साल पहले शुरू हो गया था, कितने साल पहले, 70 साल पहले। मैंने विदेशों की स्टडी कर ली, मैंने कहा 75 साल पहले जिन्होंने शुरू किया उनके साथ क्या हुआ, जानना चाहते हो क्या? Yes. तो देखो मैं आपको मिलाता हूँ, मिस्टर इगोर अल्बर्ट और एंड्रिया सिम्बाला, इनकम कितनी है जी? हाँ जी, अरे पूरी बात बोलो, 18 करोड़ नहीं, 18 करोड़ रुपए महीना, महीना एक महीने के, क्योंकि शुरुआत कितने साल पहले की थी, पहले, और अमेरिका की पॉपुलेशन तो आपसे आधी भी नहीं है, आप तो 150 करोड़ के देश में रहते हैं, अपार संभावनाएं हैं आपके पास, है ना। और ये एक लेडी है जो अकेली लेडी अपने दम पर 8 करोड़ 80 लाख रुपए महीना कमा रही है, टॉप 100 वुमेन्स में इसका नाम है, और ये जो लेडी किम हुई 7.5 करोड़ रुपए महीना, इसके पीछे कोई रिजॉर्ट नजर आ रहा है कि स्विमिंग पूल और ये बढ़िया नदी वदी किनारा, ये रिजॉर्ट नहीं है, इसका खुद का पर्सनल मकान है, है ना जी। और ये व्यक्ति है जिनकी इनकम है 5.5 करोड़ रुपए, कितनी है जी, ये सब एक साल पुराना आंकड़ा है, एक साल में और बढ़ गई होगी, इनके पीछे गवेजात नजर आ रहा है, नजर आ रहा है जी आपको, ये किसी एयरपोर्ट पे जाके सेल्फी नहीं ली लोग, ये इनका खुद का प्राइवेट जेट है, और गारंटी से कहता हूं जो इस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में टिका रह गया उनके घरों के बाद आज 50 साल बाद प्राइवेट जेट खड़े होंगे, और वो उनके बच्चों के होंगे, किनके होंगे, हाँ यहाँ पे मेरे को टेंशन हुई कि काम करूं कि नहीं करूं, साला मेहनत करके जाऊंगा मैं, और हवाजहाज में घूमेगा मेरा साला, काम करूं मैं ऐश करे बच्चे, हाँ। तो मेरे भी देखो पिताजी ने शुरुआत की, एक दिन प्राइवेट जेट मेरे भी आएगा, शुरुआत किसने की, प्राइवेट जेट किसके आएगा, है ना, और उस जेट पे कुछ लिखवाना है मेरे को, क्या लिखवाऊंगा बताओ, उस पे लिखाऊंगा जी बाप का माल है, क्या लिखाऊंगा, क्या लिखाऊंगा, हाँ, हाँ। तो
अब मैं आपको इतनी बात करने के बाद ये कहता हूँ, फिर से सारांश में बता देता हूँ कि आपको अगर इस अभियान से जुड़ना है तो सबसे पहला काम क्या करना है, विजिट द कंपनी, स्वयं अपनी आंखों से देखें, फिर बिलीव करें, खुद विश्वास करें, दूसरों की बातों पर विश्वास नहीं करें, आप देखें परखें चेक करें हमारे को कि क्या हम जो बोलते हैं वो कहीं गलत है क्या एक अक्षर भी, और फिर उसके बाद प्रोडक्ट को यूज करें। आप अगर उस प्रोडक्ट को यूज करें और आपको अच्छा लगता है तो लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में बताएं, और जुड़ने के बाद काम करने की कोशिश तुरंत बिल्कुल भी ना करें। तुरंत सबसे बड़ी गलती यहां पर होती है जी, कि जब आप अभियान से जुड़ते हो पहले दिन काम करने लग जाते हो, जबकि शुरुआत में क्या काम करना है, आपके पास कुछ चंद लोगों की लिस्ट है जिनको आप जानते हो, जिनको आप चाहते हो कि ये लोग अभियान से जुड़े, आपको खुद को बात नहीं करनी है, बल्कि जो भी व्यक्ति आपको इस अभियान के बारे में बता रहा है उसको वो लिस्ट देनी है कि यार आपको इनसे बात करनी है, या तो आप इनके साथ पास चलो या मैं इनको आपके पास लेकर के आ जाता हूँ, और फिर बैठ करके ऑब्जर्व करना है, सीखना है, तब काम करना है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि आप अभी नए हैं, आपको खुद को ही नहीं आता, आप दूसरे को कैसे सिखाने जाएंगे, नहीं सिखा पाएंगे। तो क्या करना है, आपकी लिस्ट को लेकर के जिसने आपको अभियान के बारे में बताया है उसके सामने सरेंडर हो जाना है। बात समझ में आ गई थी, है ना? और सीखने का काम शुरू करना है, साथ बैठना है, सीखना है, क्योंकि सीखना शुरू करेंगे तो लर्निंग भी स्टार्ट होगी, है ना जी? और देखो क्रिकेट कितने लोगों में खेला आप में से, क्रिकेट किस किस ने खेला, हाथ ऊंचा करो। क्रिकेट खेलने का आज दिन तक आपको एक रुपया भी मिला क्या? नो। एक रुपया भी मिला नहीं। पर अगर सीख लेते, ट्रेनिंग लेते, कोचिंग ले लेते कहीं से, तो भाई भारत टीम में जो लोग खिलाड़ी खेल रहे हैं ना, वो क्या भारतीय टीम ने किसी गली में से खेलते हुए व्यक्ति को उठा लिया कि तू बहुत अच्छा खेलता आ जा, किसी ने किसी इंस्टीट्यूट से उठाया होगा, जिन्होंने ट्रेनिंग ली होगी उनको उठाया होगा। बात समझ में आ रही? तो अगर आपको महान खिलाड़ी बनना है, बहुत सारा पैसा कमाना है, अपना नाम कमाना है, तो सीख करके खेलोगे तो फायदा होगा, बिना सीखे खेलोगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो ये खेल भी कैसे खेलना है, कैसे खेलना है जी, सीख करके खेलना है, है ना? और मेले में भीड़ देखी है आपने, को अलग से लोग बुलाए जाते हैं मेले में? नहीं सर। है जी? नहीं सर। कि मेले में कोई जाने वाले लोग अलग से होते हैं? नहीं होता ना, वही अपने जैसे, आपके मेरे जैसे, हम भी मेले में होते हैं कई बार, होते हैं ना। पर अगर जो आर्मी में लोग होते हैं वो क्या अलग से पैदा किए जाते हैं? वो कैसे तैयार होते हैं? वही जो लोग भीड़ में मेले में होते हैं उनमें से कुछ लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है तो फौज में अफसर बन जाते हैं। बात समझ में आ रही? कैसे बनते हैं जी? ट्रेनिंग से लोग आतंकवादी तैयार कर लेते हैं, हमें तो सफलता के कुछ सिपाही तैयार करने हैं। है ना जी? तो भीड़ मेले में हो तो कुछ इस तरह की नजर आती है, और अगर उसी भीड़ को ट्रेनिंग दे दी जाए तो शानदार आर्मी में तब्दील हो जाती है ना। सीखना शुरू तो जीतना शुरू। आदरणीय सुरेंद्र भट्ट, कितने लोग जानते हैं इनको, इस सिस्टम के डायमंड, और मल्टीपल आईडीज पर कुल मिलाकर के प्रतिमा इस अभियान से 1 करोड़ रुपए महीने की इनकम लेते हैं। कितनी लेते हैं जी? 1 करोड़। क्यों आता है इन आदमी को 1 करोड़ रुपए महीना? क्यों आता है इन व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए महीना? इस सवाल को भी मैंने अपने दिमाग में चलाया कि ये हाईएस्ट पैसा कैसे ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, ऐसा क्या स्पेशल है इनमें? तब मैंने देखा तो ये भी इनकी फेसबुक से ही उठा के लाया जी, और इसमें लिखा हुआ है अटेंडिंग 3 डेज वर्कशॉप इन अहमदाबाद। क्या लिखा हुआ है जी? 3 दिन की वर्कशॉप अहमदाबाद में अटेंड करी है जिस स्नेह देसाई की वो ट्रेनिंग है, चेंज योर लाइफ उसका नाम है, और इसी अप्रैल महीने की ये बात है। इस ट्रेनिंग की फीस थी 1 लाख रुपए। कितनी थी जी? अब मैं आपको थोड़ा सा सुरेंद्र भट्ट साहब के बारे में बताता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग पर इन्होंने किताबें लिख दी, जिन किताबों को पढ़ के लोग सीखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग को करना कैसे है। बात समझ में आ रही?
इनका एक शो चलता है चैट विद सुरेंद्र भट्ट, जिसे देख करके लोग सीखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग करना कैसे है। और उसके अलावा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी में सबसे ज्यादा इनकम लेने वाले ये व्यक्ति। तो जिस व्यक्ति से दुनिया सीख रही है, जो व्यक्ति हाईएस्ट पैसा कमा रहा है, उसको क्या जरूरत है और सीखने की? पर वो सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट पैसा इसीलिए कमा रहा है क्योंकि वो आज भी सीखने पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अगर आप भी सीखते रहने को अपने आप को तैयार कर लेंगे तो आप भी, अगर ज्यादा पैसा कमाना है, बड़ा पैसा कमाना है, पुराने साथी गौर से सुन लें, तो सीखने पर काम करें, है ना। ये सबसे पुराने, इनसे पुराने हो क्या? ये सीखना बंद नहीं किए, हम कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? नहीं ना। तो और इसके लिए इस कंपनी के रचयिता आदरणीय टीसी सर स्वयं रोजाना सवेरे 6:30 बजे गुरुकुल शिक्षा लेकर के आते हैं। तो रोजाना आप घर में बैठ करके उसको देखें और सीखें। सीखने के कई तरीके हैं। अब नए आदमियों के साथ, मैंने कहा ना, नए नए आदमियों के साथ एक दिक्कत होती है, यार ये टाई कौन पहनेगा, कोट पहन के कौन घूमेगा, लोग कहेंगे वो आ गया देखो आरसीएम वाला, है ना, कहते हैं ना, ये आ गया आरसीएम वाला, मेंबर बनाने वाला, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? इस शर्म के मारे ही मैं नहीं कर पाया 22 साल तक। मैंने कहा यार ये कौन सुनेगा यार, है ना। फिर मेरे को एक कहानी पड़ी, वहां से मुझे जीवन में प्रेरणा मिली, आपको भी सुनाता हूँ, कि मेंढकों का कॉम्पिटिशन हुआ एक पहाड़ पर चढ़ने को। मेंढकों को बोला गया कि जो मेंढक सबसे पहले पहाड़ पर चढ़ेगा उसको इनाम मिलेगा। सारे मेंढक आते, प्रयास करते, कुदक कुदक के, पर कोई गिर जाते, पड़ जाते, थोड़ा आगे जाता, गिर जाता, फिसल जाता, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी का सिर फूट गया, और कोई भी चढ़ नहीं पा रहा था, सारे गिर रहे। पर एक मेंढक ऐसा था जो फुदकता 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 ऊपर की ओर पहुंच गया। नीचे से सारे मेंढक चिल्ला रहे थे, सारे तेरे बाप दादा नीचे गिरे हुए पड़े हैं, इनके हाथ पैर टूट गए, तेरा बाप नहीं कर पाया, तू कैसे चढ़ेगा, तू नहीं कर सकता, तेरे से नहीं हो पाएगा, आ जा नीचे, आ जा, मरेगा। पर वो फिर भी चढ़ गया। जब नीचे आया तो उससे पूछा गया कि यार ये तूने कैसे किया, तो उसने कहा कि किसी के बात नहीं सुना, मेरे को सुनाई नहीं देता है। तो कहे सारे तो कह रहे थे कि तू नहीं कर पाएगा, वो कहे मेरे को तो ये लग रहा था कि ये सारे कह सकते हैं कि यस तू कर सकता है, तू बहुत शानदार है, तू बहुत शानदार है, तू चल कैसे हो जाए। तो अगर आपको भी सफल होना है ना जिंदगी में, तो लोगों की बातों पर ध्यान मत दे, बहरे बन जाए। लोग क्या कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग कह रहे हैं इस चक्कर में मैंने नहीं सुना, लोगों के मर्सिडीज आ गई, लोगों के ऑडी आ गई, लोगों के i8 आ गई, 2.5 करोड़ की कारें आ गई, 25 करोड़ के बंगले आ गए, और नहीं सुनता बहरा बन के रहता, तो हवाई जहाज भी आएंगे, हेलीकॉप्टर भी आएंगे, प्राइवेट जेट भी आएंगे, क्या करो? लोगों की सुनो कि दिल की सुनो? क्या करना चाहिए? दिल की सुनो। कामयाब होना है कि लोगों की शर्म से जीना है? कामयाब होना है, बस। तो शर्म को कर दो बाय बाय, बात समझ में आ रही? और मैं बताता हूँ, अब तक डायरेक्ट सेलिंग को ज्यादा इज्जत भरी नजरों से देखा नहीं जाता था। डायरेक्ट सेलिंग में कहते थे यार ये कोई चिटिंग, फ्रॉड, फर्जी इन्वेस्टमेंट, पैसा लगा दो, पैसा निकाल लो, क्योंकि कई सारी फर्जी कंपनियां आई, और इतने सालों में कोई बहुत अच्छी इमेज डायरेक्ट सेलिंग की नहीं बनी। पर पिछले साल से ये शुरुआत हुई है, या बड़े बड़ी हिंदुस्तान की हस्तियां हमें पहचानने लगी है, हमें मानने लगी है, सम्मान करने लगी है। तो अभी तो मैं कहता हूँ कि ये शुरुआत हुई है, बहुत बड़ा बनना तो अभी इसका बाकी है। आदरणीय किरण बेदी मैम जैसे कि प्रोग्राम में आई थी, दिल खोल करके इन्होंने हमारी तारीफ की। उसके अलावा आठ मार्च को अभी दिल्ली में एक प्रोग्राम हुआ, तो हिंदुस्तान की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, लखपति दीदी नाम का वो प्रोग्राम हुआ था, तो स्मृति ईरानी उस प्रोग्राम में आई, उन्होंने मंच से तारीफ की। हिंदुस्तान के कैबिनेट मिनिस्टर पीयूष गोयल जी वहाँ आए, उन्होंने तारीफ की। उसके अलावा कई अवार्ड हमारे को नेशनल लेवल पर अभी मिले हैं, तो अब तो पहचान मिलना चालू हुई है, इज्जत मिलना चालू हुई है, अब ये कचरा धीरे धीरे छटते जा रहा है और कंपनी बड़ी होती जा रही है। कोई बात नहीं। और महिलाएं बहुत जबरदस्त तरीके से महिला सशक्तिकरण पर काम हो रहा है। पिछले 1.5 वर्षों में महिलाओं ने बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं इसके माध्यम से हासिल की है, और अब
अपना नाम बनाया, अपनी पहचान बनाए, आज खुद की उनकी मीटिंग सेमिनार्स होते हैं। अब देखो मैं बहुत तेजी से कुछ बातें आपको करता हूँ कि इस अभियान से बहुत बड़ा कैसे बनना है और काम किस प्रकार से करना है। देखो कितना माउंट एवरेस्ट देखा आपने? Yes. देखा है? देख करके तो हर चढ़ने वाले को लगता है कि यार इतना ऊंचा है, इसको कैसे चढ़ूंगा, ये तो असंभव है ना। पर वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ता जाता है तो चढ़ भी जाता है, पहुंचते है ना, लोग पहुंचे है ना वहां तक, असंभव तो नहीं है ना। जिन्होंने इरादा किया, जिन्होंने स्टेप लिया, जो घर से बाहर निकले, जो वहां तक गए, वो पहुंच भी गए। बात समझ में आ रही? तो ये भी आपको लगेगा कि यार इस सिस्टम का डायमंड बनना, ये इनकम लेना, ये असंभव है। पर मैं कहता हूँ आप बस शुरुआत कर लें, धीरे धीरे करेंगे तो आप भी वहां तक पहुंच जाएंगे। और देखो दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, एक तो कोई स्केल नहीं है। भगवान नहीं कहता कि यार आप इतनी ग्रोथ कर सकते हो। भगवान ने सबको समान क्षमताओं के साथ पैदा किया है, आप जहां तक चाहो वहां तक ग्रोथ कर सकते हो। देखो एपीजे अब्दुल कलाम पहले न्यूज़पेपर बेचते थे, नरेंद्र मोदी जी पहले चाय बेचते थे, धीरू भाई अंबानी पहले पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरते थे, रजनीकांत बस का कंडक्टर था, अक्षय कुमार होटल में वेटर था, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी वॉचमैन था, महेंद्र सिंह धोनी ट्रेन में टीटी था, और मोहम्मद शमी किसान का बेटा था, और संदीप माहेश्वरी कॉलेज ड्रॉप आउट था। तो हर व्यक्ति बहुत छोटे से शुरू करता है। तो एक तो कोई आज किस पद पर है, वो राष्ट्रपति, ये प्रधानमंत्री, ये विश्व का सबसे अमीर आदमियों की सूची में नाम, बेस्ट सुपरस्टार, नंबर वन क्रिकेटर, इंडिया का कैप्टन, इंडिया को गौरव दिलाने वाला और नंबर वन मोटिवेटर। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है आप आज कहां पर हैं, बस आज किस स्टेज पर हैं, किस हालात में हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। निर्णय सिर्फ आज इस बात से पड़ेगा कि आप ये निर्णय यहां से कर करके जाएं कि मुझे जाना कहां तक है। जहां तक आप निर्णय लेंगे वहां तक आप पहुंच जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और ऐसा नहीं है कि लोगों की बातें सुनकर के मैं ये बात कह रहा हूं, बड़े बड़े दूसरों की किताबें पढ़ के नहीं बता रहा हूं, मैं अपने परिवार से बता रहा हूं आपको कि आदरणीय बीसी सर और टीसी सर, बीसी सर इस अभियान में जुड़ने से पहले केकड़ी जैसा एक छोटा सा कस्बा है वहां के बस स्टैंड पर बुक स्टॉल चलाते थे, और आज दुनिया इन्हें भाग्य चेंज छाबड़ा के नाम से जानती है, करोड़ों लोगों को आशीर्वाद का कपड़ा पहनाते हैं। हौसला करें बस। और ऐसा नहीं है कि टीसी सर कॉलेज में अपना खर्चा निकालने के लिए रोड के साइड में पेंटिंग बना करके बेचते थे, और आज आरसीएम वर्ड देखा है आपने, कंपनी देखी है, प्रोडक्ट देखे हैं, डिपो देखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है, वो सब कुछ उसके रचयिता कौन है? तो कोई स्केल नहीं है, कोई स्केल नहीं है। आप उनसे बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं जिन पोजीशन में इन लोगों ने शुरुआत की थी। मेरे परिवार की मैं बात बता रहा हूँ, तो दुनिया की कोई स्केल नहीं है, आप जितना चाहो उतना बड़ा बन सकते हो। और ये सभी लोग 10 लाख से 50-60 लाख रुपये महीने की इनकम लेते हैं, और पहले किन हालातों में थे, सबकी कहानियां आज आप सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। तो अभियान में जुड़ने से पहले क्लियर कर ले, जुड़ना है तो सबसे पहले क्लियर करें कि अभियान से जुड़ने का आपका उद्देश्य क्या है, क्योंकि 90% लोगों का उद्देश्य क्लियर नहीं होता, वो जुड़ जाते हैं बस। मैक्सिमम लोग तो इसको ट्रायल करने के लिए जुड़ जाते हैं कि चलो यार इतना कह रहे हैं तो करके देख लेते हैं, कुछ आएगा तो बढ़िया, नहीं तो छोड़ देंगे। और गारंटी से ऐसे लोग इस बिजनेस में बहुत कमाल नहीं कर सकते, गलती से थोड़ी बहुत इनकम आ जाती है तो टिक जाते हैं, नहीं तो अभियान को छोड़ देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो किसी और के भरोसे पर इस काम को करते हैं कि यार वो उसने ऐसा कहा था, वो ऐसा करेगा, उसने ऐसा नहीं किया, वो तो ऐसा कर ही नहीं रहा जैसा उसने कहा था, इसलिए मैं तो नहीं करूंगा। अरे वो क्यों करेगा भाई? आपको अगर अभियान समझ में आया है, आपको लगता है कि इसके माध्यम से मैं सफल बन सकता हूं, तो किसी और के भरोसे में क्यों आपकी सफलता निर्भर है? मैं कपड़े का व्यापार करता था तो किसी के भरोसे पर करता था? आप कोई अगर काम कर रहे हैं दूसरा काम, तो क्या किसी के भरोसे से कर रहे हैं? वो आता है जिसी दिन दुकान खोलते हैं, वरना नहीं खोलते। वो आता है जिसी दिन आप काम करते हैं, नहीं ना। तो यहां भी अगर आपको भरोसा है तो
तो आप अपने खुद के भरोसे पर इस काम को करें और बिना किसी ईगो के इस काम को करें। ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि लगा ही कुछ नहीं, एक रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं मांगती कंपनी आपसे, इसलिए आपको छोड़ने में भी जोर नहीं आता। छोटी सी बात भी छोड़ दिया, कुछ भी हुआ छोड़ दिया क्योंकि आपका एक भी पैसा आपकी जेब से लगा हुआ नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि क्लियर करें कि यार आपका जुड़ने का उद्देश्य क्या है। अगर वो क्लियर होगा ना तो आप निश्चित तौर पर बहुत बड़ी सफलता हासिल करेंगे। मेरा उद्देश्य था, मैं दिल्ली से फ्लाइट पकड़ के पटना आया हूँ, पर उसके पहले मैं उदयपुर से दिल्ली आया। तो मेरा उद्देश्य क्या था उदयपुर में? दिल्ली जाने का। क्या उद्देश्य था जी? दिल्ली आने का। तो मैंने रेलवे का टिकट बनाया। किसका टिकट बनाया? कहाँ कहाँ तक का बनाया? अब इस टिकट से मैं दिल्ली तक यात्रा कर सकता हूँ ना? कोई रास्ते में उतार सकता है क्या मेरे को? कोई कहेगा कि आप नीचे उतर जाओ? यहाँ तो प्रधानमंत्री जी आके बैठेंगे। अगर टिकट मेरा है तो मोदी भी आ जाए तो भी कुछ नहीं हो सकता। मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, जाऊंगा ना। और ऐसा नहीं है, बीच में जब उदयपुर से दिल्ली आते हैं तो रस्ते में 23 स्टेशन आते हैं। कितने आते हैं जी? 23 स्टेशन। अगर बीच के किसी स्टेशन पे मैं रुक जाता हूँ तो रेलवे की गलती है। अगर मैं बीच के किसी स्टेशन पे ठहर जाता हूँ तो रेलवे की गलती है कि मैं दिल्ली नहीं पहुंचा? किसकी गलती है साहब? खुद की गलती है ना। तो जिस दिन आप इस अभियान से जुड़ते हैं और आपको ये आईडी मिलती है तो ये टिकट है आपका डायमंड तक की यात्रा करने का। कहां तक की यात्रा करने का? डायमंड। अब अगर आप पिछले किसी पिन पर रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, तो अभियान की गलती है? कोई दूसरा नहीं आया इसलिए मैं तो डायमंड नहीं बनूंगा। ये कौन सी बात हुई? हाँ जी, छोड़ देंगे आपके भविष्य को, सुनहरे भविष्य को किसी और के भरोसे पर छोड़ देंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे ना। तो पहली चीज तो क्लियर करें कि सारा टिकट डायमंड तक की यात्रा का है, तो सफर भी डायमंड तक का करेंगे, है ना। और कैसे करेंगे? ये कुछ वाइटल पिंस हैं, कुछ रॉयल्टी हैं, कुछ टेक्निकल पिंस हैं, और कुल 21 पायदान है जी। कितने हैं जी? मान लो अगर इसके ऊपर वाली मंजिल पर जाना हो और 21 सीढ़ियां हो तो 21 की 21 चढ़नी पड़ेगी क्या? आप 10वीं सीढ़ी पे जाके बैठ जाओ तो ऊपर पहुंच जाओगे क्या? नहीं सर, नहीं पहुंचोगे ना। 21 चढ़नी पड़ेगी ना। और आप में से ज्यादातर लोग जो पुराने साथी हैं, अभियान से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, ये 21 में से 10-12 तो चढ़ चुके हो यार आप। यस सर। फिर वहां जाकर भी ठहर गए, आधा रास्ता तो तय हो गया, तो आधा और करना है कि नहीं करना है? यस। चाहते हो? यस। पूरा रास्ता बता के जाऊंगा, कसम से कहता हूं, कसम से। डायमंड से नीचे कोई रुक जाता है ना तो मेरे को लगता है कि फिर उसको समझ में नहीं आया कि यार ये अभियान है क्या चीज, है ना। तो रुकना नहीं है, है ना। आपको प्लान शो करना पड़ता है क्या? यस। होम मीटिंग दिखानी पड़ती है क्या? यस। सेमिनार में आना पड़ा? यस। वेबिनार भी अटेंड करनी पड़ती है? यस। अकेडमी में जाना पड़ता है? अभी एनिवर्सरी आ रही है? यस। यस बोलने वाले कम है, मतलब कम लोग जा रहे हैं। चलो, एनिवर्सरी में जाना पड़ता है? जोनल इवेंट में जाना पड़ता है? यूएलपी इवेंट में जाना पड़ता है? गुरुकुल में जाना पड़ता है? यही तकलीफ है, आप नहीं बन सकते। जाना पड़ता है क्योंकि आपको ये पड़ता है, मजबूरी है क्या आपकी? नहीं, है ना। अगर आप डायमंड बनना चाहते हो, अगर आपका क्लियर उद्देश्य है कि यार सबसे बड़ी सफलता हासिल करनी है, अगर टिकट मिला है डायमंड तक का तो डायमंड तक जाना ही है, तो ये करना पड़ता नहीं है, ये करना कंपलसरी है। क्या है जी? कंपलसरी। क्या है? कंपलसरी। अब अगर जो नहीं जा रहा है ना 24 तारीख को एनिवर्सरी में, उसको नहीं बनना, उसको नहीं बनना। मेरी दुकान पे ग्राहक खड़ा है और मेरा रोटी खाने का टाइम हो गया, तो रोटी खाऊंगा कि कस्टमर को अटेंड करूंगा? नहीं, पर यहाँ तो अपने तो छठ पूजा पहले जरूरी है, डायमंड तो फिर कभी बन जाएंगे 10-20 साल बाद, छठ पूजा थोड़ी ना आएगी। अरे साहब, अगर बनना है तो कंपलसरी है, बात समझ में आ रही है? बनना है तो कंपलसरी है, वरना नहीं बनना है। बात समझ में आ गई? आप में से कौन व्यक्ति है जो अपने हाथ पे चीरा लगवाने को तैयार है? मेरे को लगाना है, कट लगाना है आपके हाथ पे। कौन लगवाएगा? कोई नहीं लगवाएगा। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, मैं 10,000 रुपये दूंगा आपको, लगवाओगे साहब? 10,000 रुपये दूंगा, कट लगवाओगे आप पे? लगवाओगे क्या? नहीं ना, नहीं लगवाओगे। अब आप बताओ कि आपके हाथ की हड्डी टूट गई,
और स्टील की रॉड डालनी है अंदर, तो क्या करोगे? लगवाना पड़ेगा। पैसे कौन देगा? खुद देगा। पैसे भी खुद ही दोगे? यस। कट भी लगवा लोगे? क्यों? मजबूरी। समझ यहाँ समझ में आ जाता है कि यार ये कंपल्सरी है, ये जरूरी है, साला पैसा लेने पर कर ये काम, है ना? पर सफलता में समझ में नहीं आ रहा है कि क्या जरूरी है। सफलता लंगड़ी टांग से चले जा रहे हैं, स्टील की रॉड नहीं लगवानी है उसमें। बात समझ में आ रही है? तो जिंदगी में समझ ले, जो काम जरूरी होता है वो करना अनिवार्य है हमारे लिए। बात समझ में आ रही है? अपना लक्ष्य क्लियर करो, आज टारगेट क्लियर करो। जब तक लक्ष्य क्लियर नहीं होगा ना, तब तक काम आपके हो ही नहीं सकते, कंसिस्टेंसी आ ही नहीं सकती, डिसिप्लिन जिंदगी में आ ही नहीं सकता। कोई बच्चा है जो सोचता है कि यार पास होना है बस मेरे को, तो वो घर पे स्कूल से आने के बाद घर पे पढ़ाई करता है जी। yeah. है जी? जिसको सिर्फ पास होना है वो घर पे आके बस्ता भी खोलता है। no. पर किसी बच्चे का अगर लक्ष्य है कि मेरे को तो साला 90% लाने, वो क्या करता है जी? फिर दूसरे बच्चे उसे कहते हैं कि खेलने चल, और अगर उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है ना, वो क्या कहेगा? तो कौन है ऐसे बच्चे जिनका लक्ष्य होता है? कौन होते हैं जी? लक्ष्य होता है। अगर आपका लक्ष्य होगा ना, तो दुनिया का कोई सा भी काम आपका आए, मेरे पास एक तराजू है सा, उस तराजू में दो चीजें हैं, आरसीएम से डायमंड बनना और दूसरा पलड़ा खाली है। अब उसमें आते हैं कई सारे प्रोग्राम, गोवा घूमने जाना है दोस्तों के साथ, आरसीएम की एनिवर्सरी है, तो क्या करूंगा मैं? मेरे दोस्त के पिताजी की 50वीं शादी की सालगिरह है और आरसीएम का जोनल इवेंट है, क्या करूंगा जी? तो आप भी जिंदगी में ऐसा तराजू रखें, आपकी सफलता से भारी जो चीज लगे वो कर लेना, या फिर आपको आपको जरूरी नहीं है, आपको पड़ी नहीं है कि 2.5 करोड़ की कार, 1.5 करोड़ की कार, 25 करोड़ का बंगला आ सकता है, मिल सकता है, पर लेना नहीं है। अगर लेना ही नहीं है तो कोई जबरदस्ती तो दे नहीं सकता ना जी। No. तो आपकी टॉप प्रायोरिटी पर क्या होना चाहिए? आरसीएम नंबर 1 प्रायोरिटी। वाह, गौर से देखो इस सज्जन को, कैसे लग रहे हैं जी? हाँ जी, अब इस सज्जन को एक बात बताइए। मान लीजिए ऐसा, इस सज्जन को ऐसा बनना है, क्या क्या करना पड़ेगा? हाँ, मेहनत। और मेहनत में क्या क्या करना पड़ेगा? डाइट करनी पड़ेगी जी। और क्या करना पड़ेगा जी? एक्सरसाइज करनी पड़ेगी जी। और दौड़ लगाना पड़ेगा, दौड़ लगानी पड़ेगी जी। अच्छा बताओ, डाइट करने का पैसा लगता है? नहीं। दौड़ने का पैसा लगता है? नहीं। कसरत करने का कोई पैसा लगता है? सुबह जल्दी उठने का कोई पैसा लगता है? नो। सब कुछ मुफ्त में, तो फिर इसको शायद जानकारी नहीं होगी क्या? जानकारी है, है? जानकारी है, करनी जानकारी है, करना नहीं चाहता। तो फिर भगवान भी क्या कर लेगा? कुछ नहीं। ऐसी हालत हमारी है, ये डायमंड है, ये हम है, जानकारी है, पर वैसा है, कोई कैसे बना देगा? बना सकता है क्या? मैं छोड़ो यार, कोई नहीं बना है ना। तो जब तक जिंदगी में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं आएगा, तब तक आप बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? Yes. तो सेल्फ डिसिप्लिन जिंदगी में खुद से लाना है। इसके लिए कोई दूसरा आदमी नहीं है जो आपको आके कहेगा कि यार उठ, डायमंड बन। बच्चे को स्कूल जाना होता है तो मम्मी उठाती है ना। आपको कोई उठाने नहीं आएगा कि यार उठ जा बेटा, डायमंड बनना है यार, उठ जा, जोनल प्रोग्राम है, उठ जा, आज सेमिनार है, कोई नहीं कहेगा। आपके सेल्फ डिसिप्लिन से ये काम होंगे। बात समझ में आ रही है जी? अगर आपको पैसे से प्यार है, पैसे से प्यार है, yes. प्यार है, yes. तो आपको पैसा कमाने के प्रोसेस से भी प्यार करना पड़ेगा। अब कई लोग कहते हैं कि मेरे को तो यार सेमिनार में आना अच्छा नहीं लगता, नहीं लगता, मेरे को तो एनिवर्सरी में जाना अच्छा नहीं लगता, मेरे को तो गुरुकुल में जाना अच्छा, तो यार अच्छा टाइम पास करने के लिए कर रहा हूं, अच्छा लगे इसलिए कर रहा हूं, या सफल होने के लिए कर रहा हूं? अब सफल होने के लिए मेरे को भी बहुत सी चीजें अच्छी नहीं लगती। किताब पढ़ना मेरे को अच्छा नहीं लगता, गुरुकुल अटेंड करना मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरे को भी यहां इतनी दूर पूरी रात जग करके आया हूं आपके बीच में,
पूरी रात दिलवाड़ा से बैठा, 1:30 बजे दिल्ली में उतरा, वहां से सुबह 6 बजे फ्लाइट पकड़ी, फिर यहाँ आया बिना सोए बिना आपके बीच में खड़ा हूँ, अच्छा लग रहा है? पर अगर बनना है तो जरूरी है, बात समझ में आ रही? तो यही प्रोसेस है डायमंड बनने का, यही प्रोसेस है बड़ा बनने का, और अगर मुझे ये प्रोसेस ही पसंद नहीं आ रहा है तो फिर मैं बड़ा कैसे बनूंगा? नहीं बन सकता no. तो देखो ये तस्वीर आप गौर से देखो, मान लो आपको कहूं कि यार जहानाबाद में आपको एक चौराहे पर खड्डा खोदना है 50 फीट का, कौन खोदेगा जी? कोई नहीं खोद रहा। मैं आपको कहता हूं कि यार लेबर को जो पैसा देते हैं हम खड्डा खोदने के लिए उससे दुगना पैसा दे दूंगा आपको, कौन खोदेगा जी? कोई नहीं खोदेगा। देखो अभी तो मैं आपको पैसा दे रहा हूं, पर अब जो मैं लाइन बोलने वाला हूं उसके बाद आपकी मर्जी हो तो खोदना, मर्जी नहीं हो तो मत खोदना, पर मैं पैसा नहीं दूंगा। बोल दो जी। जैसे ही आप 50 फीट गड्ढा खोदोगे नीचे 200 किलो सोना दबा हुआ है, कितना जी? 200 किलो। वो आदमी हाथ ऊंचा करो जिसको खड्डा नहीं खोदना है, नहीं खोदना है। हाँ जी, एक साथ सबका लालच जाग गया है। क्या हुआ जी, क्या हुआ? पहले आप खोदना नहीं चाह रहे थे, अब आप सारे ही लगभग खोदना चाह रहे हैं, ऐसा क्या हुआ? पता हो गया, अब आपको पता लग गया कि मैं ये काम करूंगा तो मुझे मिलेगा क्या। पहले आपको लग रहा था कि यार ये काम मेरा नहीं है, मुझे शर्म आएगी, मुझे थकान होगी, पर अब आपको न शर्म आ रही है न थकान हो रही है, अब आप चाहते हो कि एक ही रात में ये गड्ढा खोद दिया जाए तो बहुत अच्छा है, चाहे पैसा नहीं हो जेब में, मशीन लानी पड़े, कर्ज ला करके भी लाएंगे, पर कर लेंगे क्योंकि आपको पता है कि यार मिलने क्या वाला है ना। अगर आपको यकीन हो जाएगा ना कि RCM अभियान से आपको मिलने क्या वाला है, आप हासिल क्या कर सकते हो, तो मेरी गारंटी कर्ज लेके भी कर लोगे आप, मेरी गारंटी। अभी आपको पूरी जानकारी एहसास नहीं है कि मिलने क्या वाला है ना। तो एक चीज अपनी जिंदगी में नोट कर ले कि पिन लेवल चेंज करना है। क्या करना है जी? 21 सीढ़ियां हैं, 21 सीढ़ियां चढ़नी है, बात समझ में आ रही? कितनी सीढ़ियां हैं जी? 21। और 21 चढ़नी है, चढ़नी है तो अगली पिन पे जाना है, जाना है ना? और अगली पिन पर जाने का सवाल हर महीने आपके दिल में होना चाहिए, हर महीने आप पिन चेंज करने का आपके मन में मादा होगा तभी जाकर के यहाँ पहुंचेंगे ना जी। पिन चेंज नहीं हुई तो यहाँ पहुंच सकते हैं क्या? तो अगली पिन पर तो जाना ही है ना, नेक्स्ट पिन कैसे आएगी? तो आप अपनी अपलाइन से जब भी बात करें, आप अपनी एक्टिव अपलाइन से जब भी बात करें, दुनिया के किसी और आदमी से बात करें, चाहे अपने आप से आत्मचिंतन करें, एक ही सवाल करें कि यार अगली पिन कैसे आएगी। क्या सवाल करना है जी? अगली पिन कैसे आएगी, नेक्स्ट पिन पे कैसे जाऊंगा। नेक्स्ट पिन से घबराना नहीं है ना, बात समझ में आ रही? और नेक्स्ट पिन पे जाने के कुछ तरीके आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। बहुत बड़ा बनना है जी, बहुत बड़ा। yes. तो एक उदाहरण बताता हूँ, ये जो आपको तस्वीर नजर आ रही है इसमें ये जो रोड है और ये जो गेट है इसके पीछे क्या नजर आ रहा है जी? हाँ जी, हाँ जी, जंगल, जंगल सर, जंगल। एक पेड़ है कि बहुत सारे पेड़ है कि क्या है? बहुत सारे पेड़ है जी, बहुत सारे पेड़, बहुत सारे पेड़ है। ये बहुत सारे पेड़ नहीं है, ये एक सिंगल पेड़ है और ये 3.5 हेक्टेयर में फैला हुआ है, हिंदुस्तान के अंदर है, कलकत्ता के सुंदरबन में है ना जी। और इतना बड़ा ये पेड़ कैसे बना आप जानना चाहते हैं? इतना बड़ा ये पेड़ बना अपनी डेप्थ पर काम करके, अपनी जड़ों पर काम करके। कैसे बना जी? ये क्या करता है, पेड़ को जब आगे बढ़ना होता है ये अपनी एक जड़ को लेता है, फिर उस जड़ को जमीन में डालता है, फिर उस पर काम करता है, उसको मजबूत बनाता है, और जब वो मजबूत बन जाती है तो उसका सहारा लेकर के और आगे बढ़ जाता है, फिर वहां पर दूसरी डेप्थ पर काम करता है, उस पर हेल्प करता है, उसको मजबूत बनाता है, जब वो मजबूत हो जाती है तो फिर सहारा लेकर के और आगे बढ़ जाता है। आपको भी अगर बहुत बड़ा बनना है, गिनीज बुक में अपना नाम लिखाना है, तो इस सिस्टम में, इस अभियान में आपको यही करना है, आपकी डेप्थ पर काम करना है, उनकी हेल्प करनी है, उनको मजबूत बनाना है, जब वो मजबूत बन जाए तो उन्हीं का सहारा लेकर के उनकी लिस्टों के सहारे आगे बढ़ जाना है। बात समझ में आ रही है? रूट से तो
जड़ है तो रूट है, बात समझ में आ रही है? तो रूट पर काम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? डेप्थ ड्राइव करनी पड़ेगी, और उसके लिए नारा है बनो वाइटल और बनाओ वाइटल, है ना? अब वाइटल के लिए छोटे छोटे पायदान क्यों दिए गए पता आपको? क्यों टीसी सर ने इसको इतना इजी बनाया, जानना चाहते हैं? अच्छा, ये जो ओपनर की पिन होती है ना सर, वाइटल, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, ओपनर का लेवल जैसे ही आप हासिल करते हैं, इस पूरी कंपनी के टोटल टर्नओवर में हिस्सेदारी लेने वाले बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? तो कंपनी के टोटल टर्नओवर में आप हिस्सेदारी ले सकते हैं, और उसके लिए क्या चाहिए? एक लेग में, दूसरी लेग में। अब आप अगर चेक करेंगे ना, जितने पुराने साथी बैठे हैं गौर से सुनना, आप चेक करेंगे तो आपकी डेप्थ में कहीं ना कहीं 50,000 का बिजनेस है, नहीं है तो 50,000 तक पहुंचाना है, 40 होगा, 30 होगा, 35 होगा, बात समझ में आ रही है? और अगर 50 का है तो कितने लोगों को सिर्फ 20 करा करके आप ओपनर बना करके कंपनी की हिस्सेदारी दिला सकते हो, दिला सकते हो ना? कितने लोग होंगे ऐसे, आज अगर चेक करोगे तो कितने लोग होंगे जिनको आप ये काम करा सकते हो? मान लीजिए अगर 100 लोग हैं और 20,000 का बिजनेस करने को तैयार है, तो कितने का बिजनेस आता है? 20 लाख। बात समझ में आ रही है? इतना आसान है। डेप्थ में क्या करना है? जड़ों पर काम करोगे तो बड़े बनोगे, बात समझ में आ रही है? कर सकते हैं जड़ों पे काम? और ये इतना आसान टीसी सर ने इसलिए बनाया क्योंकि एक ओपनर जो कि नया है, इस अभियान से नया जुड़ा है, वो एक छोटे बच्चे के समान है, और उस छोटे बच्चे को अगर छोटी छोटी सीढ़ियां दे दी जाए तो वो किस प्रकार से उन पर ऊपर चढ़ सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। कि ये बच्चा अगर बड़ी सीढ़ियां दे दी जाती तो शायद नहीं चढ़ पाता, पर चूंकि ये छोटी सीढ़ियां हैं तो धर 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 करते हुए ये ऊपर आसानी से चढ़ गए। तो ये छोटे काम हैं जो बहुत बड़े परिणाम देते हैं, और परमानेंट ग्रोथ का आधार है नए लीडर तैयार करने का आधार है, बढ़ती हुई इनकम का आधार है, नंबर वन टीम बनने का आधार है, और डुप्लीकेशन का परमानेंट आधार है। बनो ओपनर, बनाओ, बनो वाइटल, बनाओ वाइटल क्यों बोलते हैं पता आपको? क्योंकि एक छोटा बच्चा दूसरे छोटे बच्चे को गोद में आसानी से उठा सकता है ना, उसी प्रकार से एक वाइटल अपने साथी को वाइटल बना सकता है। माइक्रो टारगेट, ये छोटे छोटे टारगेट कैसे कमाल करते हैं जानना चाहता हूं। तो आप के शहर में रोजाना लोग नहाते हैं? रोज नहाते हैं? हर आदमी नहाता है? अच्छा, नहाने में पता है एक आदमी लगभग 20 से 25 लीटर पानी खर्च करता है। कितना करता है? 20 से 25। फिर उसके कपड़े भी धुलते हैं, फिर घर में खाना भी बनता है, सब में पानी का उपयोग होता है, यानी कि एक आदमी पे औसत 100 लीटर पानी रोज बहता है। कितना बहता है जी? 100 लीटर पानी। पर पूरे शहर के हर आदमी के 100 लीटर पानी रोज यूज हो रहा है? हो रहा है ना? पक्का? यस। हो रहा है? बाढ़ आती है क्या शहर में? नहीं सर। पर 2-3 घंटे जम के बूंद बूंद बरसात आ जाती है तो क्या हाल होता है शहर का? हाँ जी, बस ये बिल्कुल वाइटल भी वैसे ही बूंद बूंद है जो अगर पूरे शहर में बाढ़ ला सकता है, उतना बड़ा ये माइक्रो टारगेट बड़े परिणाम ला सकता है। तो इन बड़े परिणामों पर, और दूसरी चीज है डायमंड ब्लॉक। अब ये थोड़ा सा यहाँ मेरा मामला थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, हाँ? ये जो डायमंड क्लब है ये क्यों बनाया गया? क्योंकि आप ईमानदार नहीं, क्या नहीं है जी? इसलिए टीसी सर ने बनाया। किसलिए बनाया? हाँ, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा होगा, आप कहेंगे अभिषेक सर बहुत बेकार। बेकार नहीं, मुझे सफलता चाहिए आप लोगों की। क्या चाहिए? क्या चाहिए? और डायमंड क्लब कैसे कर सकते हो आप? और 5,000 पीवी किस प्रोडक्ट से कर सकते हो आप? किसी भी प्रोडक्ट से काम करके आप 5,000 कर सकते हो, कोई सा भी प्रोडक्ट पूरी कंपनी में से उठा कर। ये वैसे बेईमान लोगों के लिए है, ये भी समझ लेना। किन लोगों के लिए है जी? क्योंकि अगर कोई ईमानदार है, अगर कोई इस अभियान के माध्यम से करोड़पति बनना चाहता है,
अगर कोई बहुत बड़ी सफलता लेना चाहता है तो इतनी सी ईमानदारी तो हो कि प्रोडक्ट 100% ही यूज करूंगा, इतनी सी तो हो जिससे जिंदगी बदलने का सपना देखा है उसके प्रति अगर आप इतने से लॉयल नहीं हो तो फिर आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी है? नहीं बदल सकती। बात समझ में आ रही है? और अगर आप अगर ये लॉयल हो गए, अगर ईमानदारी आपके भीतर आ गई तो ये 5000 पीवी क्या मैं कहता हूँ 8-10 हजार पीवी तो आसान बात है रात में, है कि नहीं? और मजा है, एक रुपए का बिल ऊपर कट जाए मजाल है। 5000 पीवी का मतलब 5000 अगर एक रुपए ऊपर नीचे नहीं हो वहां ईमानदारी गायब हो जाती है। तो थोड़ा सा अपने आप को ईमानदार बनाए। अगर आपके बड़े इरादे हैं, बड़े सपने हैं तो मैं कहता हूँ ईमानदार बनो। और ईमानदार बनने के साथ साथ जिस भी दिन आप अभियान में किसी व्यक्ति को जोड़ते हो, जिस दिन जोड़ते हो उस दिन उसको कहो कि यार तेरे जुड़ने का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य अगर बड़ा है तो ईमानदारी रखनी पड़ेगी, ईमानदारी से प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे, 100% प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे। और अगर पहले ही दिन से हर साथी 100% प्रोडक्ट यूज करता तो आपका क्या होता मैं बताता हूँ। केवल ईमानदारी आपने रख ली होती तो क्या हो सकता था उसकी कल्पना करें। ऐसा छोटा लक्ष्य है जो पहले ही महीने से हर आदमी कर सकता है। हमारे पास सारे प्रोडक्ट रोज काम में आने वाले हैं। किसी भी आदमी के घर में 8-10 हजार पीवी के प्रोडक्ट तो यूं ही चले जाएंगे, घर में ज्यादा सदस्य है तो और ज्यादा भी चले जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो एक व्यक्ति अपने नीचे सभी को अगर यही चीज दे, मन से सिखा दे कि ईमानदार रहना, ये 5000 पीवी डायमंड क्लब मेरे समझ के बाहर है। मेरी समझ के बाहर ये है कि बेईमान हो या ईमानदार, क्या है जी? और अगर ईमानदारी से काम करना सिखा देते हैं, एक व्यक्ति 2 को मान लो इस अभियान से जोड़ता है तो कितना पीवी होता है 3 का मिला के, है ना? मैं डायमंड मैं अलग बात करो। अब देखो पास्ट में हमारे साथ कितने लोग जुड़े, पास्ट में, मैं आगे की बात तो अपने आप कैलकुलेशन कर लेना आप लोग, मैं तो पिछली बात कर रहा हूँ कि पीछे कितने लोगों को आपने इस अभियान से जोड़ा, कहाँ गए वो लोग, कहाँ गई वो बातें, कहाँ गया विजन, ईमानदारी, है ना? और अगर ये कर लिया होता तो ये कुछ लेवल हिसाब करते 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 मात्र 4000 आदमियों को ईमानदार तरीके से काम करना सिखा देते तो 2 करोड़ पीवी का बिजनेस होता और आप इस सिस्टम के रूढ़ी होते। आप इस सिस्टम के जहां इनकम होती है कम से कम 5 लाख रुपए महीने की और जहां से आप सिक्योरिटी, टाइम फ्रीडम और इन सारी चीजों को हासिल कर चुके होते हो। आज इस दुनिया में पीवी सिंह जी जो इस सिस्टम के रूबी हैं, अभी कुछ समय पहले उनकी डेथ हो गई। पेशे से प्रिंसिपल थे, क्या थे? एक प्रिंसिपल जब इस दुनिया से चला गया तो वो स्कूल उसके बच्चे को कुछ दे रही है के पीछे से? नहीं दे रही है। और स्कूल कुछ नहीं दे रही, पार्ट टाइम में उन्होंने आरसीएम अभियान करके रूबी बने। बात सुन लेना बहुत गहराई से, उनका बेटा एमबीबीएस पढ़ के डॉक्टरी कर रहा है। क्या कर रहा है? रोज पेशेंट देखता है। क्या देखता है? अभी भी आरसीएम नहीं कर रहा। बात समझ में आ रही? आरसीएम का आर भी नहीं जानता। बात समझ में आ रही है? पिताजी को गए हुए 8 महीने हो गए और हर महीने 7-8 लाख रुपए का चेक आता है। मैं उस डॉक्टर मोहित से मिला, मैंने कहा भैया बता, बोले यार भैया पता नहीं यार ये कहां से आता है, कैसे आता है मुझे नहीं पता, पर हर महीने इतना पैसा आता है जितना साला मैं डॉक्टरी में नहीं कमाता हूं। ऐसी सिक्योरिटी को आप हासिल कर सकते थे अगर ईमानदार तरीके से पहले खुद ने काम किया होता फिर लोगों को सिखाया होता। सबसे पहले ईमानदारी कौन रखेगा? कौन रखेगा जी? पहले हम रखेंगे तभी हम दूसरों को कह सकते हैं। और आज से भी अगर आपने ये काम चालू कर दिया, अगर केवल आज से भी आपने ये काम चालू कर दिया और सही ढंग से लोगों को समझा दिया तो आपको डायमंड बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, है ना? और सबसे बड़ी चीज है कंसिस्टेंसी। क्या है जी? मैं कहता हूं कंसिस्टेंसी इतनी इंपॉर्टेंट है कि परफेक्शन से भी ज्यादा जरूरी है। आप किसी काम को करने के लिए आप सोचते हो कि पहले मैं परफेक्ट हो जाऊं फिर करूंगा। नहीं, इस दुनिया का सिस्टम है कि आप बस करने लग जाओ और करते रहो करते रहो करते रहो, थोड़ी देर में आप परफेक्ट हो जाओगे। बात समझ में आ रही है? हमारे बीच में सर थे, उन्होंने कहा भी था कि निरंतरता बहुत जरूरी है ना जी।
तो मैं आपको एक छोटा सा फार्मूला और देकर के जाना चाहता हूं कि अगर आप छोटे छोटे अभ्यास यदि लंबे समय तक करेंगे ना तो बहुत बड़े परिणाम आएंगे। आपको बहुत बड़े परिणाम चाहिए ना जी? Yes! तो बहुत बड़े परिणाम कैसे आते हैं मैं बता रहा हूं आपको। आपने हेडपंप देखा है? Yes! हेडपंप को जब चलाते हैं और प्रेशर से पानी आता है तो जमीन में छेद होता है क्या? नहीं होता। प्रेशर से जब चलाते हैं तो जमीन में छेद नहीं होता, बूंद बूंद टपकती है तब भी छेद नहीं होता, पर वो बूंद बूंद पानी बाद में इस नल से टप 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 करके टपके जाता है और लंबे समय तक टप 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 तो जमीन में भी छेद करने की ताकत वो रखता है। होता है कि नहीं? बात समझ में आ रही? ताकत न तो तेज धार पानी में है, न ताकत एक बूंद पानी में है, ताकत है छोटे छोटे काम को लगातार करने में। किसमें है जी? लगातार करने में, कंसिस्टेंसी में। किसमें है जी? कंसिस्टेंसी। तो एक बार मेरे साथ सारे लोग दोहराएंगे, सारे मिलके, छोटे छोटे अभ्यास यदि लंबे समय तक करेंगे तो बहुत बड़े परिणाम आएंगे। बहुत बड़े परिणाम आएंगे। आपको सर रसगुल्ले खाना पसंद है? पसंद है? आपको मान लीजिए इन भैया को एक बार खड़े होकर अपनी शक्ल दिखा दो यार, है ना? ये भैया जी हैं हमारे बीच में। अब ये भैया जी को अगले 5 दिन तक 7 दिन तक लगातार सिर्फ रसगुल्ले ही खाने को देते हैं और जितनी मर्जी उतने खाने को देते हैं। अब तो आरसीएन में लॉन्च भी हो गए, पीवी भी मिलता है, कोई टेंशन नहीं है, है ना? मेरे अकाउंट में दे दो, ठीक है? और मान लो ये 5 दिन में 200 किलो 500 किलो 1000 किलो 5000 किलो रसगुल्ले भी खा जाए मान लो, तो क्या ये 5 दिन बाद ऐसे हो जाएंगे क्या? नो जी, नो सर। हो सकते हैं क्या? नो। तो फिर ये ऐसे परिणाम कैसे आते हैं? लगातार खाना पड़ेगा सर। हाँ जी, लगातार। अरे आप चाहे 5 रसगुल्ले खाओ पर रोज खाओ और 5 साल तक खाओ तो आप भी ऐसे हो जाएंगे। बात समझ में आ रही? तो आप एक दिन की मेहनत से कुछ नहीं होता जी, लंबे समय तक थोड़ी थोड़ी भी कर लोगे तो बहुत बड़ा काम होता है, है ना? तो एक बार मेरे साथ सारे मिलके रिपीट करो, छोटे छोटे अभ्यास यदि लंबे समय तक करेंगे तो बहुत बड़े परिणाम आएंगे। अब मान लो ये सज्जन, और इसकी बात छोड़ो, चलो यार ये भी नाराज हो जाएंगे वरना, है ना? तो मैं अपनी बात कर लेता हूँ। मैंने क्या करा, वजन कम करने के लिए जिम ज्वाइन किया। क्या किया जी? और जिम में गया, महीने भर मैंने डाइटिंग भी की, मीठा खाना बंद कर दिया, परांठे नमकीन समोसे कचौरी तला गला सब बंद कर दिया, और एक महीने तक जिम में जाके रोज कसरत करी, फुल मेहनत करी, जम के मशीनें तोड़ी, और एक महीने बाद जब मैंने अपना वजन किया तो मात्र 2.25 किलो कम हुआ। कितना? 2.25 किलो। उसी दिन मैंने कहा यार ये बंद करो, ऐसी की तैसी मेरे रसगुल्ले लाओ खाने के लिए, कोई रिजल्ट तो आ ही नहीं रहे, तो अपन ने जिम जाना बंद कर दिया। पर आज जब ये बात समझ में आ गई है तब मैं सोचता हूं कि यार लगातार 3 साल जिम चला गया होता तो मेरी बॉडी भी कुछ होती कि नहीं होती, है ना? तो एक बार फिर से मेरे साथ सारे मिलके दोहराएंगे, छोटे छोटे अभ्यास यदि लंबे समय तक करेंगे तो बहुत बड़े परिणाम आएंगे। ऐसे झोपड़ी अगर बनानी हो, सरकंडे की झोपड़ियां बनती है जी यहाँ पर, मान लो कितने दिन लगते हैं उसको? 2 दिन 1 दिन ज्यादा लेबर लगा दो तो 1 दिन में भी हो सकती है, है ना? तो मेरे फार्म हाउस पे बनानी है, अगर ऐसी बनानी हो तो 1-2 दिन में बन जाएगी। नहीं सर। अब मैं कहूँ कि यार फार्म हाउस पे ऐसा बंगला बनाना है, 100 लेबर लगा दो, 1 दिन में बन जाएगी? नो। 2-3 साल। अगर आपको जिंदगी कैसी बनानी है निर्णय करो, ऐसी बनानी है कि ऐसी बनानी है? ऐसी बनानी है तो समय लगेगा। बात समझ में आ रही? Yes, समय लगेगा, धीरे धीरे करेंगे तो बन जाती है। बात समझ में आ रही जी? Yes। तो एक आखिरी बार मेरे साथ दोहराएंगे, छोटे छोटे अभ्यास यदि लंबे समय तक करेंगे तो बहुत बड़े परिणाम आएंगे। एक और बड़ा ही गजब का ऑफर है जो अगले 10 दिनों में कमाल कर सकता है, क्योंकि सितंबर का महीना है और हमें कुछ बड़े टारगेट्स करने हैं। पहली चीज मैंने आपको बताई थी, वाइटल पिंस पर आपको काम करना है।
दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि ईमानदारी से कंसिस्टेंसी आपको करनी ही करनी है, डायमंड क्लब करना है। तीसरी चीज मैं आपको देने जा रहा हूँ कि वीर और वीरांगना, क्योंकि टीम का प्रत्येक साथी अगर वीर वीरांगना क्लब में एंट्री ले लेता है, जो कि मात्र 5 पीस लगातार 3 माह करने पर मिलती है या एक ही महीने में 15 पीस करने पर मिल जाती है। अब मान लीजिए मैं बन गया, 15 पीस मैंने कर लिए, तो मुझे ट्रेनिंग मिलेगी वीर की, और अगर मैंने न्यूट्रिशन की ट्रेनिंग ले ली तो मैं ज्यादा अच्छे से काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? Yes. तो मैं ज्यादा बेहतर बन जाऊंगा। अभी 15 किए, फिर 150 भी कर सकता हूँ, क्योंकि न्यूट्रिशनिस्ट बन गया, एक तरह से छोटा मोटा डॉक्टर बन गया। बात समझ में आ रही है? Yes. तो टीम का अगर हर साथी ऐसा बन जाए तो कमाल होगा कि नहीं? Yes. और न्यूट्रिशन एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इस डायरेक्ट सेलिंग का तो सबसे बड़ा आधार है ही। इस वक्त भारत की सबसे तेज ग्रोइंग इंडस्ट्री अगर कोई है तो न्यूट्रिशन इंडस्ट्री। और इन्होंने क्या करा कि इन्होंने आसान बना दिया हमारे लिए, एक शानदार टूल इन्होंने हमारे को बना के दे दिया, जिस टूल के माध्यम से आप ये सीख सकते हैं कि कैसे लोगों की आंखों का रंग देखकर, नाखून का रंग देखकर, जीभ का रंग देखकर, हथेली का गहराई रेखाओं की देखकर या हथेली का कलर देखकर आप ये पहचान सकते हैं कि किसको इस प्रोडक्ट की जरूरत है और आप उस पर काम कर सकते हैं। मतलब मैं कभी जिंदगी में सोचता ही नहीं था कि न्यूट्रिशन वूमेन में किसी को देखाऊंगा, मुझे पता भी नहीं था कि किसको देनी चाहिए और क्यों देनी चाहिए। मैं तो बस न्यूट्रिशन वूमेन खाया करो, अच्छी रहती है, वो इतनी सी बात से कोई खाता ही नहीं था। पर जब से मैंने ये बुक देखी मेरे समझ में आ गया। फिर मैं चेक करता हूँ, चेक करके कहता हूँ अरे यार आपको तो कमी है हीमोग्लोबिन की, तो बोले क्या करूँ, मैंने कहा न्यूट्रिशन वूमेन खा लो पूरी हो जाएगी। और अगर मेरे जैसा आदमी साला इसको रिटेल कर सकता है तो फिर दुनिया का कोई भी आदमी कर सकता है। बात समझ में आ रही है? तो इतना शानदार इन्होंने ये बना दिया है प्रोडक्ट, है ना। और थोड़ा सा ताकतवर तरीके से काम करें और मस्तिष्क में हमेशा एक विचार रखें, कमजोरी को कभी अपने दिल में मत आने देना, कभी ये मत सोचना। डर लाओगे ना साहब मृत्यु आएगी, डर लाओगे तो, और अगर साहस लाओगे तो जीत आएगी। बात समझ में आ रही है जी? आज तक आपने आपकी जिंदगी में हर वो काम कर लिया जो आपने सोचा। मैं दूसरों का एग्जाम्पल नहीं दे रहा, आप खुद चेक कर लो अपने अपने आप को। अगर आपने कभी निर्णय लिया था कि मुझे मोटरसाइकिल खरीदनी है तो 2-4-6 महीने में आप मोटरसाइकिल खरीद के लाए हो। अगर आपने कभी निर्णय किया था कि मुझे कार लानी है तो 1-2 साल में वो कार भी खरीद के लाए। अगर आपने निर्णय किया है कि मुझे कोई मकान खरीदना है तो 1-2 साल में आपने वो मकान भी खरीदा है। आपने हर वो चीज हासिल करी जो आपने सोची, पर आपके मन में डर था कि मर्सिडीज तो मेरी नहीं आ सकती, तो नहीं है। आपके मन में जिस चीज का डर है वो नहीं आएगी, पर जिस चीज पे आपको कॉन्फिडेंस है वो आपके घर के बाहर आएगी ही आएगी, है ना। ये स्वामी प्रेमानंद जी महाराज को कितने लोग जानते हैं जी? इनके ना 18 साल से दोनों ही गिरने हैं, है ना। विचारों की मजबूती तो अलग चीज है यार, शारीरिक मजबूती भी देती है आपकी सोच। 18 साल से इस व्यक्ति के दोनों किडनियां नहीं है और मस्ती से जी रहे हैं। कितने लोगों को पता है कि इनके दोनों किडनियां नहीं है? ये भी पता है आप लोगों को? वेरी गुड। एक इंटरव्यू वाले ने पूछा यार 18 साल से किडनी नहीं है, कैसे जी रहे हो? बोले मैं जी रहा हूँ पर तेरे जैसे लोग मुझे मारने पे तुले हैं। बोले क्यों? बोले 18 साल से जी मस्ती से इसलिए रहा हूँ क्योंकि एक सेकंड के लिए भी याद नहीं किया कि मेरी किडनी नहीं है, इसलिए मस्त जी रहा हूँ। अगर याद ही करता रहूं कि किडनी नहीं है तब तक तो मर लिया होता, तुम आके याद दिला देते हो। बात समझ में आ रही है जी? तो बस सोचना ही नहीं है, डर के बारे में सोचना भी नहीं है। कभी ये मत सोचना कि मैं ये नहीं कर सकता, नहीं तो दुनिया की कोई ताकत आपसे नहीं करवा पाएगी। क्योंकि 22 साल तक मैं ये सोचता था कि मैं ये नहीं कर सकता तो मेरा बाप भी मुझसे ये काम नहीं करवा पाया, केसी बीसी टीसी मिलके ये काम मुझसे नहीं करवा पाए। बात समझ में आ रही है? तो अगर आप सोचते हैं तो नहीं कर पाएंगे, पर अगर आप सोचते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, जब मैंने निर्णय कर लिया कि मुझे तो ये करना है, तो मेरा दिमाग मुझसे रोज कहता है कि अरे यार इतनी सी बात, तू डायमंड क्या, तू सारा डबल डायमंड बनेगा इस बिजनेस का। समझ में आ रही है? और सितंबर के सिकंदर नहीं, मैं चाहता हूं आप मुकद्दर के सिकंदर बने, और उसके लिए आप थोड़ा सा ग्रोथ पर समय देने का निर्णय आज लें, और अगले माह, इस माह से तो चलो आपने तैयारी कर ली, 20 तारीख आज होगी, पर अगले माह से एक काम करें जो अब तक जिंदगी में करते आए करना वही है। आपको क्या करना है, आपकी क्लोजिंग डेट को आपको 20 तारीख मानना है। क्या मानना है जी? 20 तारीख कि यार मेरी क्लोजिंग 20 को ही है,
20 की आधी रात तक पूरा जोर लगा करके जो भी टारगेट है वो पूरा करना है, ताकि बाकी के 10 दिन जो बचेंगे उसमें क्या आएगी, ग्रोथ क्या आएगी, है ना। अब तक क्या होता है, 30 तारीख की रात को हर आदमी काम करता रहता है टारगेट पूरा करने के लिए, सर टारगेट ही रात को 30 तारीख तक पूरा नहीं हो रहा तो ग्रोथ कैसे आएगी, ग्रोथ को तो टाइम ही नहीं है एक सेकंड का भी। तो हर महीने ग्रोथ को थोड़ा सा समय दें। और अभी आप क्या करते हैं, शुरू के 10 दिन आराम करते हैं, लास्ट के 20 दिन काम करते हैं। अब मैं आपको कह रहा हूँ शुरू के 20 दिन काम कर लो, लास्ट के 10 दिन आराम कर लो, बात तो एक ही है जी। कर सकते हैं yes, अगर मान लो हर व्यक्ति ग्रोथ करे और हर महीने ग्रोथ करे तो बड़ा काम होगा कि नहीं होगा जी, होगा। और 24 तारीख को हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेट होने जा रही है दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में, 24 नवंबर को ये प्रोग्राम है। और इस बार निर्णय करें कि हर हाल में मुझे विजेता बनकर के जाना है, बहुत इनफ समय है। आप सब लोग बड़ी बड़ी सफलताओं के बिल्कुल नजदीक खड़े, बिल्कुल उसके पायदान पर खड़े, थोड़ा सा साहस करें तो आपका पिल लेवल इस बार 100% चेंज होगा ही होगा। और विजेता बनकर के आप जाएंगे तो जब 50,000 लोगों की भीड़ में आपका सम्मान होगा तो मैं समझता हूँ आपके अपलाइन से ज्यादा गर्व उस दिन और कोई भी महसूस नहीं कर रहा होगा। जब मेरे साथ जुड़े हुए साथी जिंदगी में उन्नति करते हैं तो मुझे गर्व होता है। और ये अभियान ऐसा ही है कि आप अपने साथ जुड़े हुए लोगों को कामयाबी दिला करके ही ज्यादा कामयाब बन सकते हैं, और कोई तरीका ही नहीं है। बस यही मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जो बातें मैंने आज आपको कही है वो सब बातें आपके समझ में आ गई yes। समझ में आ गई जी yes। अब एक बात और है जो आपको लगेगा ये साथ थोड़े से किसके हुए दिखते हैं, है ना, वो बात ये है कि समझ में आने से कोई फायदा होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। पूछो क्यों, अब आप हमें 2 घंटे से तो सिर दर्द कर दिया, अब आप कह रहे हो फायदा होगा ही नहीं, तो फिर क्यों करा सिर दर्द। देखो मेरे को 15 साल से एक जानकारी है, जैसे आपने सब कुछ समझ लिया, मैंने भी 15 साल पहले समझ लिया था कि योगा करने से वजन 15 ग्राम भी कम नहीं हुआ 15 साल, क्योंकि सिर्फ बात को समझा था योगा नहीं। आपने भी बात को सिर्फ समझा है, जब तक इसको अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक इस पर काम नहीं करेंगे, जब तक ग्राउंड पर जाकर के वर्किंग नहीं करेंगे तब तक आपको फायदा होने वाला नहीं है। दुनिया का बहुत ज्ञान है मेरे पास, सबको पता है डायमंड कैसे बनते हैं, पता है ना जी, पर काम करने से होगा, है ना। और पिक्चर देखते हैं आप लोग, पिक्चर मूवी देखते हैं, पुष्पराज मूवी आई थी क्या, एक कोई पुष्पराज देखी क्या, डायलॉग क्या था उसमें, झुकेगा नहीं साल, है ना। मैं भी थोड़ा सा फिल्में में ज्यादा देखता हूँ, देखता था मतलब, अब तो नहीं मिलता समय, पर वो फिल्म मैंने देखी थी। और वो फिल्म देखी जब से और इस अभियान से जुड़ा तब से पागलपन मेरे अंदर घुसा हुआ है। रोज तैयार होके कांच के सामने खड़ा हो जाता और कांच के सामने खड़ा होके खुद से ही कहता हूँ कांच के सामने खड़ा होके कि इस सिस्टम का डायमंड बनने तक ये अभिषेक छाबड़ा रुकेगा नहीं साल। बड़ी से बड़ी सफलताओं को हासिल करें। और अब बारी है हमारे बीच में कुछ सम्मान श्रृंखला की, और उसके लिए मैं इनवाइट कर रहा हूँ रवि सर को एक बार जोरदार तालियों से। शानदार जानदार एक बार अभिषेक छावड़ा सर के लिए एक बार अपनी तालियों से बताएं आज की ट्रेनिंग कैसी लगी। और मैं तो कहता हूँ कि सर ने कुछ भी नहीं छोड़ा आपको बताने से, कोई है ना, मतलब अब सफलता के लिए और क्या, सारी बातें तो आपको बता दी गई, अब इसको कर